नमस्कार दोस्तों, जय गुरु जी। बस जय गुरु जी, जय दोस्तों, जय गुरु जी। कैसे हैं आप सब लोग? आज का हमारा सेशन जो है वो सिर्फ क्वेश्चन आंसर सेशन रहेगा। आप सबका, लोगों का जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं तहे दिल से आप लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ। कोरोना अभी भी बहुत तकलीफ दे है, बहुत टेंशन दे रहा है, तो प्लीज आप लोग डिस्टेंस मेंटेन जरूर करें। जरूर जो भी गाइडलाइंस है उनको फॉलो करें। कहीं ना कहीं पे आपको अभी भी अपना ध्यान रखना होगा 100%। जब तक नेसेसरी ना हो घर से बाहर ना जाएं, और कोशिश ये करें कि बिना मास्क के बिल्कुल बाहर ना जाएं। न्यूमरोलॉजी एक ऐसी साइंस है जिससे आप अपनी लाइफ में नंबरों के साथ जुड़ के बहुत बहुत ब्लेसिंग्स, बहुत बहुत आशीर्वाद ले सकते हैं। न्यूमरोलॉजी के अंदर जब हम पैदा होते हैं, हमारे को गॉड गिफ्टेड वो डेट मिलती है। उस डेट ऑफ बर्थ के अंदर तीन चीजें होती हैं। एक है आपका ड्राइवर, एक है आपका कंडक्टर, और एक है आपका कुआ नंबर, एंजल नंबर भी जिसको हम कहते हैं। एंजल नंबर जो है वो इतना लाभदायक है, इतना स्पोर्टिंग है कि आपको सिर्फ उसके साथ जुड़ना है। रोज मुझे कहीं ना कहीं पे 10-15 थैंक्स सिर्फ इसी बात के आते हैं कि संदीप जी, जो आपने गाइड किया एंजल नंबर के बारे में, उसी से ही हमारे कितने रुके हुए काम बनते। कोई बच्चा जो अपने पेरेंट्स से नहीं मिल रहा हो पिछले 5 साल से, एक ही शहर में रहते हो पर बेटा मिलने ना आ रहा हो, वो अपनी बीवी के साथ अलग रह रहा हो और पेरेंट्स अलग रह रहे हो, उस पेरेंट्स ने भी एंजल नंबर लिखा, बच्चे ने भी एंजल नंबर लिखा, और दोनों का मिलन हुआ 5 साल के बाद। ये सब मैं आपको इसलिए बता रहा हूं कि बहुत छोटी सी चीज है, बहुत छोटी सी साइंस है जिसको आप चाहो तो जोड़ सकते हो। तो आप सब लोग अपना ईयर लिखो, थोड़ा सा मैं समझा देता हूँ, बातें भी करेंगे। आप सब अपना ईयर लिखो, जैसे मेरा ईयर है 1971, जैसे मेरा ईयर है 1971, इसका टोटल आता है 9। करके देखो आपका ईयर का टोटल क्या आ रहा है। क्योंकि जब भी हम एंजल नंबर, कुआ नंबर निकालेंगे, उनका मेल और फीमेल का अलग अलग आएगा। सिर्फ साल को देखो, बस
मेरा साल 1971 है, आपका साल कितना है, सिर्फ बस साल को लिखो। टोटल आया 9। अब मेल के लिए फॉर्मूला है 11 माइनस रिमाइंडर, लिख लो फॉर्मूला। फीमेल का फॉर्मूला है 4 प्लस रिमाइंडर। अब मेरा जो आया था वो आया था 9, 11 माइनस 9, तो मेरा एंजल नंबर आता है 2। एंजल नंबर आता है 2। आपने हमेशा एंजल नंबर को जो है वो अपने उल्टे हाथ पे लिखना है। ये देखो, ये लिखा 2 नंबर, लेफ्ट हैंड में जहां पे कलाई खत्म होती है ये 3 रेखाएं होती हैं मणिबंध, इसके आसपास कहीं भी लिख सकते हो आप। और जब भी लिखना है कोशिश यही करनी है उसको आप सर्कल जरूर करो। चलो इतना ही काम करके देखो आप सब लोगों को समझ में आएगा कि लाइफ के अंदर ये सिर्फ एक छोटा सा फॉर्मूला। और जो लोग अभी कोरोना के टाइम पे कहीं ना कहीं पे तकलीफ के अंदर हैं, उनको मैं एक स्विच वर्ड भी दूंगा और कुछ साथ में ऐसी रेमेडीज भी दूंगा जिसपे आप अपने आप को, जिनसे फाइनेंस की प्रॉब्लम है, वो आपने अगर किसी को लोन दिया है, कमेटी दी है और वो कहीं ना कहीं पे अगर आपकी पेमेंट नहीं दे रहा तो उसको कैसे आप वापस ले सकते हो, वो फॉर्मूला आज आपको दूंगा। बट उससे पहले थोड़ा चीजों को समझते हैं। सबसे पहले मेरे पास ये 1111 आ रहा है। जी बताएं कैसे हेल्प कर सकता हूं। हाँ जी, अनम्यूट करिए। जी सर, गौरव हूँ सुभाष नगर से। जी गौरव भाई, कैसे हैं आप? जय गुरु जी। ठीक हूँ, मैं फर्स्ट टाइम आपके साथ सर कनेक्ट हुआ हूँ। जय गुरु जी। सर मेरी डेट ऑफ बर्थ है 25 जून 1978। ठीक है। और मेरा जो क्या कहते हैं, मैंने लिखा हुआ है अपना 7 है मेरा ड्राइवर और कंडक्टर है मेरा 2। ठीक है। एंड मेरा मोबाइल नंबर का जो टोटल जोड़ हम करते हैं वो आता है 5, मतलब 50 है तो 5 हो गया। ठीक है। तो ये मतलब सही है मेरे लिए या नहीं, कैसे आप थोड़ा सा? आपका ड्राइवर 7 है और कंडक्टर कितना है पहले ये थोड़ा बताओ। कंडक्टर 2। तो आपके लिए ये एक्सीलेंट है। आपके मोबाइल में 248 आता है? 8 आता है, 2 और 4 नहीं है। गौरव भाई, जब भी दोबारा मोबाइल लो कोशिश ये करो कि उस मोबाइल में 248 ना हो। फिलहाल तो इसको चलाओ आप, कोई दिक्कत नहीं है। आज के बाद जब भी आप लेंगे आप वो मोबाइल नंबर नहीं लेंगे जिसके अंदर 248 आता हो, क्योंकि आप चाहे 6 महीने बाद लेना कोई जल्दी नहीं है, बट देंगे तभी जब उस सिद्धांत को फॉलो करेंगे। दूसरा चीज, आज के बाद आपने कभी भी जो है ब्लैक और डार्क ब्लू कपड़े नहीं पहने। ब्लैक और डार्क ब्लू, ठीक है। अभी भी आपने डार्क ब्लू पहना हुआ है, नहीं पहनना आपको। और आपने कोशिश यही करनी है कि रोज सुबह चींटियों को आटा देना है। ठीक है, चींटियों को आटा, ठीक है जी। बिल्कुल ठीक। ओके जी, बहुत बहुत धन्यवाद। नंबर भी निकाला था अपना 4 है। हाँ, लिखो उसको हाथ पे, लिखो ठीक हाथ पे लिखो उसको। राहुल भाई, जय गुरु जी। जय गुरु जी सर। जय गुरु जी। डियर जय गुरु जी क्लास, मैं राहुल सर की बैकएंड टीम से बोल रहा हूँ और आप सबको
ये बताना है कि सर अभी आपके सारे प्रश्नों के उत्तर देंगे, जो न्यूमोलॉजी जो भी आपको कंसल्टेशन लेना है, जिस भी तरीके से आपको जो भी क्वेश्चन हो सर से आप डायरेक्ट पूछ सकते हैं स्पेसिफिक क्वेश्चन के साथ। हेलो सर, आवाज आ रही है? हाँ जी बिल्कुल आवाज आ रही, क्लियर, एकदम लाउड एंड क्लियर। आप सर से अपना स्पेसिफिक क्वेश्चन पूछिए, कंसल्टेशन लीजिए, आपको सर प्रॉपर गाइड करेंगे न्यूमोलॉजी के अकॉर्डिंग आपको क्या सही है क्या गलत है। दूसरा सर, अभी संदीप सर अपने गुरु जी की ब्लेसिंग से 3 जून को और 7 जून को 2 बैच शुरू कर रहे हैं, जिसका टाइमिंग रहेगा 3 से 5 और 7:30 से 9:30, जिसकी टोटल फीस है 12,345 प्लस 18% GST, तो टोटल होता है 14,567। उस कोर्स के अंदर कंप्लीट न्यूमोलॉजी आपकी कंप्लीट कोर्स कवर किया जाएगा, बेसिक एडवांस एंड प्रोफेशनल। आप इस कोर्स के अंदर आप करने के बाद आपको कंप्लीटली कहीं भी किसी प्रकार की न्यूमोलॉजी सीखने की जरूरत नहीं रहेगी। एक सिंपल सा लॉजिक ये भी है कि आप किसी भी कंसल्टेशन के पास जाते हैं, कंसल्टेंट के पास जाते हैं, न्यूमोलॉजिस्ट हो, एस्ट्रोलॉजिस्ट हो, 5,000, 7,000, 10,000 आपसे लेगा लेगा। ये कोर्स सीखने के बाद 24 दिन का ये कोर्स होगा, मंडे टू फ्राइडे कंप्लीट आपको न्यूमोलॉजी सिखाई जाएगी और कंप्लीट रेमेडियल पार्ट, प्रेडिक्शन पार्ट, सारा कुछ इसके अंदर आपको सिखाएगा। ये कोर्स करने के बाद आप अपना और अपने परिवार का प्रेडिक्शन या अपने किसी भी चाहने वाले का या किसी भी इंसान का आप प्रेडिक्शन, रेमेडी, पार्ट प्रॉपरली कर पाएंगे। तो इससे बेटर है आप अपना और अपनों का भला कर सकेंगे। और जिन लोगों को इंटरेस्ट लगे वो प्लीज आप कनेक्ट कर सकते हैं। संदीप सर आप अपना नंबर बता दीजिए। 9911 ये नंबर नीचे लिखा है वैसे तो 9911736555। और नंबर है 8802120101। दूसरा हमारे पास सब तरह की फैसिलिटी पेमेंट्स अवेलेबल हैं। आप चाहें तो पेटीएम, गूगल पे, फोन पे भी कर सकते हैं। ईएमआई भी ऑप्शन अवेलेबल है हमारे पास, जिसके लिए आप मुझे संपर्क कर सकते हैं। मेरा नाम राहुल है, मैं नंबर बोल रहा हूँ आप नोट कर लीजिए, 7715930333। मैं दोबारा बोलता हूँ, 7715930333। आप इस पे ईएमआई के लिए आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं। सर आप कंटिन्यू कीजिए, आप ये थोड़ा सा एक बार प्लीज इनको अपने कोर्स में आने वाले टाइम मतलब आप क्या क्या सिखाने वाले थोड़ा सा एलिब्रेट करके फिर आप क्वेश्चन आंसर ले लीजिए सर प्लीज। जी 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 दोस्तों, न्यूमरोलॉजी एक ऐसी साइंस है, आप इसके लिए खुद भी सेल्फ हेल्प टूल बन सकते हो, कोई मुश्किल साइंस नहीं है। एस्ट्रोलॉजी को कहते हैं सीखने के लिए 3 जन्म कम है, कई बारी 5-5 साल लग जाते हैं एस्ट्रोलॉजी को सीखने के लिए, लेकिन न्यूमरोलॉजी जो अपने आप में एक कंप्लीट साइंस है, अगर आप इसके साथ जुड़ते हो तो कितना ये आपके लिए बेनिफिशियल हो सकता है आपको समझ में आएगा जुड़ने के बाद। नंबरों का खेल बहुत जबरदस्त है और हमारे पैदा होते ही नंबर हमसे जुड़ जाते हैं, फिर चाहे हमारा कार का नंबर हो, मोबाइल नंबर हो, अकाउंट नंबर हो, हमारा रोल नंबर हो, हमारा आधार कार्ड नंबर हो, कोई भी नंबर हो, जहां पे शायद हमारा शॉप का नंबर हो, हमारे घर का नंबर हो, कोई ना कोई नंबर आपके साथ हर समय जुड़ा ही रहेगा। आपको देखना है कि आपको लाइफ के अंदर किस नंबर से आशीर्वाद लेना है। सबसे पहले श्रीनिवास राव से बात करते हैं, कि सबसे अच्छा मुझे ये लगा कि ये मास्क पहन के मीटिंग कर रहे हैं। हाँ जी राव साहब बताओ, कोरोना के अंदर आप बिल्कुल मास्क पहन के, बिल्कुल यही हमें संदेश देना है कि कोरोना का टाइम है, बिल्कुल सोशल डिस्टेंस मेंटेन करो और जितना हो सके घर से बाहर निकलो तो मास्क पहन निकलो। बताओ जी कैसे हेल्प कर सकते हैं आपकी। थैंक यू सर। जी सर, सर मेरा 8 है, ड्राइवर नंबर और कंडक्टर नंबर 2 है, ठीक है, और कुआ नंबर 9 आ रहा है सर, ठीक है सर। ये मोबाइल क्या 5 में लो या 6 में लो? सर 5 पे ले या 6 पे ले दोनों ही आपके मित्र हैं। अगर आपको टोटल 5 मिलता है तब भी एक्सीलेंट है, अगर आपको टोटल 6 मिलता है तब भी एक्सीलेंट है, पहली चीज। दूसरी चीज आपने क्या करना है कि उस मोबाइल के अंदर 248 नहीं आएगा, 9 आ जाए, 6 आ जाए, 5 आ जाए, 3 आ जाए, 1 आ जाए, ये सब चलेगा, पर 248 नहीं आना चाहिए। 24 आ रहा है सर, इसलिए तो चेंज करना पड़ेगा। गलत है, चेंज करना पड़ेगा राव साहब, बिल्कुल चेंज करना पड़ेगा जी जी। और आज के बाद कभी भी आप ब्लैक और डार्क ब्लू कपड़े नहीं पहनेंगे,
ये आपके दुश्मन है, और रोज सुबह चींटियों को आटा डालो, एक किलो आटा लो, आधा किलो लिक्विड शुगर लो, दोनों को मिक्स करो, दोनों को मिक्स करने के बाद डेली उसमें से एक मुट्ठी निकाल के ये चींटियों को डालना स्टार्ट करो। जितना आप चींटियों को डालते रहोगे, आप देखोगे लाइफ में कितना कितना आपके लिए ब्लेसिंग्स आ रही है। जी सर, थैंक यू डियर, थैंक यू, थैंक यू सर। ओके जी, अभिषेक जी, अभिषेक साहा जी, अभिषेक साहा जी अनम्यूट करें, कोई आवाज हमें नहीं आ रही, आपके सामने बटन है अनम्यूट का। जी हाँ गुरु जी, पहली बात तो आप मेरा दंडवाद प्रणाम स्वीकार कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद। जय गुरु जी, जय गुरु जी। मैं आपसे 2-3 दिन से बात भी कर रहा था, आप मुझे कोर्स के लिए मुझे इंस्पायर किया आपने, जिसके लिए मैं आभारी हूँ इस जन्म में। थैंक यू सर, थैंक यू। एंड मैं फर्स्ट टाइम आई मेट समबडी हु इज ट्रूली अ मेंटर। ओके गुरु जी, मैं आपके यहाँ पे मैंने डिटेल्स यहाँ पे फ्लैश किया है, मेरा कुआ नंबर 1 है आपके कैलकुलेशन के हिसाब से, एंड मेरा ड्राइवर नंबर 9 है एंड कंडक्टर नंबर 2 है। सो कैन यू प्लीज गाइड मी गुरुजी, मैं कौन सा कलर यूज करूं एंड व्हाट विल बी द मोबाइल नंबर। जितना आप लाइफ में रेड कलर यूज करोगे, रेड की फैमिली यूज करोगे, वो आपके लिए बेनिफिशियल होगा। लाइफ में आपको हेल्थ प्रॉब्लम कितनी है? सर आई हैव आई एम अ स्टेरॉइड पेशेंट एक्चुअली। यस यस, ये 9 और 2 जो है ये सबसे पहले हेल्थ पे अटैक करता है। ओके दूसरा, ये सब बातें अभी आप छोड़ दो, सिर्फ हनुमान जी को पकड़ो बस। ग्रीन कलर के क्लोथ जितना ज्यादा पहनोगे उतना ज्यादा लाइफ में ब्लेसिंग आएगा। देखोगे आप कि मेरा अगर नमकीन खाना है वो भी ग्रीन है, मेरा वाटर बॉटल भी ग्रीन है, मेरे स्लीपर्स भी ग्रीन है। मुझे लाइफ में 10 साल में एक ही बात समझ में आई कि लाइफ में जितना ग्रीन को पकड़ लो और 5 नंबर को पकड़ लो, ऑटोमेटिक सब दुख कम होते जाएंगे। देखो कोई किसी में पावर नहीं है कि मैं आपके दुखों को गायब कर सकता। अरे मैं अपने दुख तो खत्म नहीं कर पाया, तो मैं किसी के दुख कैसे खत्म कर लूंगा। सिर्फ ये साइंस को करने का ये आशीर्वाद था कि मैं उस फ्रीक्वेंसी से जुड़ पाया और उसके साथ में समझ पाया कि कैसे कष्ट कम हो सकते हैं। दैट्स ऑल। सो लाइफ में आप सिर्फ हनुमान जी को पकड़ो और अगर हो सके तो रोज चींटियों को आटा डालो। ओके जितना आप चींटियों को आटा डालोगे उतना ब्लेसिंग्स आएगी। आप जब अपनी दवाइयां रखो, क्योंकि आप कह रहे हो कि आप काफी बीमारी से हो, तो हमेशा कोशिश ये करो नॉर्थ या थोड़ा सा नॉर्थ ईस्ट की तरफ अपनी दवाइयां मेडिसिन सब रखनी स्टार्ट कर दो। आप देखोगे दवाइयां धीरे धीरे कम होनी शुरू हो जाएंगी। लेकिन गुरु जी एक चीज बोलना है, बिकॉज माई कंडीशन ऐसा हो गया कि कोई भी मेडिसिन मेरा बॉडी में काम नहीं करता है ड्यू टू द स्टेरॉइड फ्रॉम लास्ट 20 इयर्स। जी जी, so I'm totally out of medicine. जो भी कुछ है आपके पास, देखो अभिषेक भाई हमें नहीं पता भगवान ने कितनी लाइफ दी है, कितनी लाइफ नहीं दी है, ये छोटे छोटे टूल्स करके जितनी लाइफ है उसके अंदर ब्लेसिंग्स इकट्ठी करो और जितनी दुनिया की हेल्प कर सकते हो हेल्प करो। नो डाउट आप नौ नंबर वाले हो, यू आर अ वेरी गुड सोल। भगवान ने आपका मेरा साथ शायद इतना ही लिखा था, जो उसमें से बेस्ट है वो करके देखते हैं बस। गुरु जी मैं मोबाइल नंबर क्या रखूं मैं? टोटल 5 पे डियर, आपका सिर्फ मित्र 1 और 5 है, 5 पे लेके जाओ। एंड कलर गुरुजी? ग्रीन। ग्रीन, ग्रीन एंड रेड शेड्स। ग्रीन एंड रेड शेड्स, फर्स्ट प्रायोरिटी, ओनली ग्रीन। ओके क्योंकि मेरा फेसबुक में जो ओपन किया हूं सोशल वर्क के लिए, तो उसमें मैं ब्लू लिया था इतना दिन से, तो मैं उसको हटा के मैं ग्रीन कर दूं। वो शनि है? नहीं, ओनली ग्रीन एंड रेड फैमिली। येलो, येलो भी चलेगा आपके साथ, येलो भी। ओके मेरा धन्यवाद प्रणाम गुरुजी। संदीप जैन जी, जय गुरुजी। जय गुरुजी। गुरुजी मेरा ड्राइवर और कंडक्टर 1 और 3 आता है। ओके वेरी गुड कॉम्बिनेशन। हाँ जी, तो अभी ये नंबर्स कौन से फेवरेबल होते हैं, मोबाइल नंबर कैसा होना चाहिए? 6 और 8 आपके दोनों एनिमी हैं, पहली चीज तो ये नोट कर लो। ओके ठीक है, सैटरडे एंड फ्राइडे बोथ आर वर्स्ट डे फॉर यू। कोई भी काम करना है तो वेडनेसडे और संडे को करना है, और आज के बाद कभी भी नॉन वेज नहीं खाना। जितना आप नॉन वेज खाओगे उतना आपकी लाइफ में टेंशन आएगा। अभिषेक भाई, अगर आप नॉन वेज खाते हो तो आप भी नॉन वेज बंद कर दो, क्योंकि आप 9 नंबर वाले हो। जी संदीप भाई बताओ क्या कह रहे हो? नहीं नहीं, मैं तो जैन हूँ, तो नॉन वेज अल्कोहल कोई टेंशन ही खत्म, टेंशन ही खत्म हो गई। आपने जितना हो सके थर्सडे के थर्सडे गरीब बच्चों को
या तो कुछ येलो स्वीट्स या कुछ गुरुद्वारे में येलो चीज दान करनी है एवरी थर्सडे। ओके, और बताओ। और फेवरेबल नंबर्स गुरुजी क्या हो सकते हैं? 5, 1 and 3 तो मोबाइल नंबर में ये 6 and 8 नहीं आना चाहिए बस। मोबाइल नंबर में 2, 4, 8 नहीं आना चाहिए, 6 भी आ जाए ठीक है, बट टोटल जो है वो सिर्फ 1 और 5 पे जाएगा। अभी मेरा 9 आता है गुरुजी। गलत है, बिल्कुल गलत है। तो इसको चेंज कर सकते हैं? बिल्कुल चेंज कर सकते हो, इसको इनकमिंग पे डाल दो और उसको आप आउटगोइंग पे करो। कभी भी इस नंबर को डिस्कार्ड मत करो, आपके पता नहीं कितने ओटीपी इस पे आ सकते हैं। Yes. इस नंबर को इनकमिंग पे और नए नंबर को आउटगोइंग पे डाल दो। राइट, थैंक यू गुरुजी। राजेश भाई, जय गुरुजी। नमस्ते सर जी। जी नमस्कार। एक्चुअली मेरा ड्राइवर नंबर 1 है, ठीक है, एंड कंडक्टर 7 एंड क्यूआई 7। ओके, तो मेरे लिए नंबर या कुछ नाम में चेंजेस कुछ अच्छा क्या हो सकता है? देखो, सबसे बड़ी बात यह है, 7 वालों को धोखे बहुत होते हैं, पहली चीज तो ये समझो। या तो उनको हेल्थ इश्यू आता है, या उनको धोखे होते हैं, या उनको कहीं ना कहीं पे अपनों से ही प्रॉब्लम होती है लाइफ के अंदर। तो सबसे पहले डॉग्स की सेवा करो और अपनी नीम के स्पेलिंग को है। ड्राइवर कितना बताया आपने? ड्राइवर 1, कंडक्टर 7। 7, हाँ, तो सीधा अपने नीम के स्पेलिंग को 5 पे लेके जाओ, और अगर 5 है ग्रिड में तो 6 पे ले जाओ। ये दोनों ही आपके मित्र हैं, जितना हो सके लाइफ दोनों ही आपके मित्र हैं, जितना हो सके डॉग्स की सेवा करो। बट दोनों ही मेरे इसमें मिसिंग है, 5 and 6। दोनों ही मिसिंग है तो 5 पे ले जाओ, सीधा 5 पे ले जाओ। 5 पे ले जाओ। और मेरे नंबर में और नाम में कुछ चेंजेस करना है तो डियर प्रॉपर चेक करना पड़ेगा, तभी उसके बाद वो कंफर्मेशन हो पाएगा। हमारा कोर्स आ रहा है, इसको सीखो ताकि इसके बाद आप अपना भी, अपने पेरेंट्स का भी, अपने बच्चों का भी, सबका लाइफ में नेम स्पेलिंग से आशीर्वाद ले सको। थैंक यू सो मच। ओके डियर। कुसुम मैम, जय गुरुजी। अपना अनम्यूट करें प्लीज, अनम्यूट करें मैम, अनम्यूट करें। अनम्यूट करो। हाँ जी मैम, बताइए। नहीं हुआ अनम्यूट, चलो उसको टच करो कि एक बार छोड़ दो बस। चलो हो जाए फिर मुझे बताना। हो गया सर। जी बताइए बताइए। जय गुरुजी मैम, कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया मैम, गुरुजी का ब्लेसिंग्स। हाँ सर, थैंक यू। मैं आपकी बहुत सारी वीडियोस देखते रहती हूँ, बहुत कुछ सीखा है आपसे, उसके लिए ग्रेटिट्यूड है आपको। थैंक यू मैम। मेरा क्वेश्चन था कि मेरा जो ड्राइवर नंबर है वो है 7 और कंडक्टर नंबर है 2 और क्यूआई नंबर है 3, ठीक है। ग्रीड में, लोशो ग्रीड में 4 and 3 आ गया, तो 4 इज मिसिंग। मेरा जो नाम का सर टोटल जाता है कुसुम यादव, वो 7 पे जाता है, ठीक है, सिर्फ कुसुम 3 पे आता है। क्या करना चाहिए सर मुझे? 7 और 3, 10 हो गया, सीधा उसको 5 पे ले जाओ, उसमें एक M और ऐड कर दो। सर मुझे टोटल भी चेंज करना पड़ेगा ना, कुसुम यादव। टोटल 5 पे, टोटल 5 पे लेके जाओ कुसुम यादव को, टोटल 5 पे लेके जाओ। ओके। और आपने आज के बाद कभी ब्लैक और डार्क ब्लू नहीं पहनना, हर एक का नंबर आएगा। दोस्तों हम 5 बजे तक है, जल्दबाजी मत करो। जिन जिन लोगों के हैंड रेज है 2 बजे तक हम 2 घंटे पूरी उनसे बात करेंगे। जैसे भी कुसुम मैम से बात हो रही है, हर एक का प्रॉपर नंबर आएगा। जी कुसुम मैम। सर मेरा फोन नंबर का टोटल जाता है 7 गलत है, उसमें 248 आता है। सर 8 तो नहीं है लेकिन 2 और 4 है। गलत है मैम, बिल्कुल गलत है। एक नया नंबर इशू करें जिसमें 248 ना आता हो। टोटल 248 ना आता हो, टोटल आप चाहे 6 ले लें या 5 ले लें, ये दोनों ही आपके फ्रेंड है। अगर नेम को 5 पे किया है तो टोटल 6 ले लें। अच्छा सर, 3 मेरे इसमें मिसिंग है, तो मेरा नेम का जो नंबर आता है वो 3 पे आता है। गलत है मैम, 3 से सिर्फ आपको ज्ञान मिलेगा। कोशिश ये करो कि 5 पे लेके आओ ताकि हर चीज बैलेंस्ड हो जाए। थैंक यू मैम, थैंक यू। जय गुरु जी। रेडमी, हाँ सर, जय गुरु जी। जय गुरु जी सर, जय गुरु जी सर। नमस्कार सर जी। नमस्कार सर। मैं एक्चुअली मेरा जो मूलांक है वो 9 है और भाग्यांक 8 है, ठीक है। ये सर, और मेरे एक बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है सर। मैं गवर्नमेंट सर्वेंट हूँ जी, और पिछले 1.5 साल से मैं किसी केस की वजह से सस्पेंड हूँ। ओके, ठीक है। तो अब क्या रेमेडी होगी सर, आगे क्या रहेगा मेरा फ्यूचर, ये चीज है सर। और वापस वही पुरानी पोजीशन हो जाए
और मैं रीइंस्टेट हो जाऊं। देखो आपके लिए प्रॉपर वर्किंग करनी पड़ेगी क्योंकि 9 और 8 लाइफ में बहुत स्ट्रगलिंग कॉम्बिनेशन है जी। नेल्सन मंडेला भी 9 और 8 वाले ही थे, उनको बकायदा जेल भी हुई, सब चीजें हुई। जब तक आपकी प्रॉपर वर्किंग नहीं कर लेते सॉल्यूशन दिखाई देगा कम है। आपको क्या करना चाहिए, सैटरडे को शाम को 8 बजे के बाद शनि टेम्पल जरूर जाना है जी। और वहां से जाके कोई भी सामान नहीं खरीदना। अगर आपने कोई गलती नहीं की है तो शनि महाराज बिल्कुल आपको उसमें ओके कर देंगे, और अगर कोई गलती की है तो उनसे जाके माफी मांगो अपनी जी। और उसके बाद हनुमान जी के टेम्पल इसके बाद जाना है, उसके बाद जाना है। हाँ, हनुमान जी के टेम्पल में जाओ और वहां पे बैठ के कम 9 दफा हनुमान चालीसा पढ़ो, ताकि आपसे अगर कोई गलती हुई भी नहीं है और फिर भी पनिशमेंट आ रही है कर्मों की वजह से जी, तो उसको ओके कर दे जी। बाकी नेम के स्पेलिंग, आपका मोबाइल, आपका सिग्नेचर, आपका अकाउंट नंबर, जब तक वो प्रॉपर चेक नहीं होगा भाई साहब, तब तक उसका सलूशन देना बेकार है। सर ये शनि टेम्पल में आपने कहा सामान नहीं खरीदना, उससे क्या मतलब है? वहां पे लोग जाके तेल तिल सिर्फ बस जाओ टेम्पल के अंदर जाओ, हाथ जोड़ो, जेब में 50 का नोट निकालो, टेम्पल के ड्रॉप बॉक्स में डाल दो बस जी। और उसके बाद फिर हनुमान मंदिर में चले जाएं। यस यस। और वहां जाकर फिर 9 बार हनुमान चालीसा पढ़ लें। बिल्कुल। तो ये मतलब हर शनिवार को करना है? हर शनिवार को जी। और कोई रेमेडी सर? प्रॉपर तभी वर्किंग नहीं हो जाती आपकी, डेट ऑफ बर्थ पे आपकी नेम पे तो कोई फायदा नहीं है जी। एक और दो आपको डेट ऑफ बर्थ पहले ही बहुत स्ट्रगलिंग है जी। 9/11/68 है सर, वही कह रहा हूँ ना, वो 8/8 भी आ गया। 1968 डबल नो है सर। देखो ना आपका कंडक्टर 8 है और 68 से भी 8 आ गया, वही कह रहा हूँ ना, बहुत सारी वर्किंग करनी पड़ेगी तभी उसका डिजायर्ड रिजल्ट मिल पाएगा। अच्छा चलिए, थैंक यू जी। शोभा मैम सर, मैं दिल्ली से हूँ। जय गुरु जी की। जय गुरु जी मैम। सर मेरा बर्थ डेट है 29 जनवरी 1981 और मुलांक है 2/4 है और मोबाइल नंबर 2 है। सर मेरे एक तो मेरे मेडिकल लाइफ में थोड़ी प्रॉब्लम चल रही है जी। आपकी लेग्स में कितनी प्रॉब्लम है? लेग्स में पेन रहता है। यस, घुटनों से नीचे। हाँ जी, पेन रहता है जी। और दूसरा मैंने बिजनेस शुरू किया है तो कैसा था? कपड़ों का ऑनलाइन शुरू किया है। नॉट गुड। जब तक आप प्रॉपर वर्किंग नहीं कर लेते हो आपकी डेट ऑफ बर्थ पे कहीं ना कहीं पे आपको प्रॉब्लम, हर्डल्स, टेंशन मिलने ही वाली है। सबसे पहले तो डॉग्स की सेवा स्टार्ट करो, जितना डॉग्स की सेवा करोगे उतना लाइफ में अपलिफ्टमेंट आएगा। ब्लैक और डार्क ब्लू कपड़े बिल्कुल बंद कर दो, ये पहनने नहीं है आपने, बेचना चाहो बेचो, वो आपका लक है। आपके अपनी नीम की स्पेलिंग 5 पे और आपकी कंपनी के नीम की स्पेलिंग 6 पे जाएंगे। मोबाइल नंबर 6 पे ले जाओ, अपना अकाउंट नंबर जो है वो 5 या 6 पे जो मिलता है उस पे ले लो। मोबाइल नंबर 2 है सर मेरा। गलत है, बिल्कुल गलत है, बिजनेस नहीं आएगा। और आप वैसे ही सारा ऑनलाइन काम कर रहे हो, बिल्कुल उससे सपोर्ट नहीं मिलेगा। मोबाइल नंबर 6 पे ले जाओ। बिल्कुल। और इसके साथ साथ थर्सडे को कम से कम 9 गरीब बच्चों को कुछ भी येलो स्वीट्स दो खाने को, और फ्राइडे को गुरुद्वारे में 2 किलो दूध 2 किलो चावल 2 किलो चीनी टू गेट गुड फैमिली लाइफ एंड बिजनेस। ये दोनों ही चीजें आपकी इस रेमेडी से ठीक होने वाली है। ओके। वरना डिवोर्स तक है आपकी डेट ऑफ बर्थ में, जितना जल्दी हो सके इस रेमेडी के साथ जुड़ो, दोनों की दोनों रेमेडी के साथ। ओके सर। अच्छा मेरे बेटे का मुलांक है 6/9 है, उसका पढ़ने में मन कम है और फ्यूचर कैसा है सर उसका? देखो फ्यूचर तो अच्छा है बट थोड़ा इसको फोकस होके करना पड़ेगा। नो डाउट 6 और 9 एक अच्छा कॉम्बिनेशन है। बच्चा आपका हो सकता है आने वाले टाइम में अब्रॉड भी सेटल हो जाए। कोशिश आपने यही करनी है कि इसको जितना हो सके प्यार से ललकार के, कुछ प्रलोभन दे के स्टडी करवा दो, क्योंकि एक बार ये बच्चा पढ़ गया तो अपने आप अपनी लाइफ में बहुत कुछ करके दिखाएगा। जैसे हमारे ये प्रेसिडेंट साहब थे अब्दुल कलाम, वैसे ही ये कुछ कर सकता है लाइफ में। बस इसको फोकस करवाने की जरूरत है आपके बच्चे को।
चलिए ठीक है सर। और मेरे हस्बैंड का है 8 जून 1977, मूलांक 1 है और भाग्यांक 2 है, मोबाइल नंबर टोटल 2 है सर। गलत है मैम, उनका मोबाइल नंबर सीधा 5 या 6 पे लेके जाओ, क्योंकि वैसे ही 8 वो है, 4 आप हो, तो लाइफ में ये टेंशन तो लगी रहेगी। जब तक वो भी रेमेडी नहीं करते हैं फ्राइडे के फ्राइडे की, फैमिली सुख नहीं मिलने वाला। उनका क्या रेमेडी है सर फ्राइडे का? यही फ्राइडे को 2 किलो दूध, 2 किलो चावल, 2 किलो चीनी आप दोनों हाथ लगाओ और गुरुद्वारे में एक साथ जाके छोड़ के आओ। सेम रेमेडी दोनों एक साथ करो, अगर कर सकती हो तो, नहीं तो अगर वो अलग है तो वो अलग करें, आप अलग करो, ब्लेसिंग्स आ जाएगी। चलिए थैंक यू मैम। कविता जी जय गुरु जी। अनम्यूट नहीं हुआ मैम, अनम्यूट नहीं हुआ आपसे, आपकी कोई आवाज नहीं आ रही जी। कविता मैम जय गुरु जी मैम। हाँ सर, मैं बोल रही थी कि मेरे को पहले सिर्फ ज्योतिष का पता था, न्यूमरोलॉजी नया सीखा है मैंने। Okay. और बहुत अच्छा लग रहा है देख के, तो मैं एक दो सेशन आपके कर रही हूँ, अगर थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आता है तो सर मैं जरूर ये करूंगी, मेरे को बड़ा अच्छा लगता है। Always welcome ma'am, always welcome, always welcome। जी सर, मैं अपने बेटे के लिए कुछ पूछना चाह रही हूँ सर। बताइए। मेरे बेटे की बर्थ डेट है 13 दिसंबर 1999। ठीक है। ड्राइवर 4 और 8 कंडक्टर, बिल्कुल। हाँ, और सर अभी वो इंजीनियरिंग 4th ईयर में है जी, तो सर आगे कैसे उसका क्या रहेगा? इसका मोबाइल, इसका नेम वैल्यू सर 1 पे आ रहा है। गलत है सीता, नेम वैल्यू 5 पे ले जाओ और उसको बोलो जितना हो सके अभी फोकस करे गवर्नमेंट जॉब के लिए। इसको गवर्नमेंट जॉब मिलने के पूरे चांसेस हैं, एक अच्छे जज की डेट ऑफ बर्थ है। अगर ये इसके साथ ट्राई करता है IAS IPS के लिए, वो भी इसके लिए पॉसिबल है। क्योंकि 4 और 8 पहले ये कर रहा था, 1 साल पहले इसने IPS का सोचा था, लेकिन अभी इसका फोकस हट गया वहां से, बोलता है नहीं करना, मैं सिर्फ इसी में ही रहना हूं। चलो कोई बात नहीं, इंजीनियरिंग भी फील्ड अच्छा है इनके लिए, इनको ब्लैक, डार्क ब्लू और रेड कपड़ों से दूर कर दो एकदम। अच्छा सर, बिल्कुल इनसे दूर करना है, जितना हो सके येलो, वाइट, क्रीम, ऑफ वाइट, ग्रीन, ऐसे शेड पहनेंगे ये। अच्छा सर, सीधा नीम की स्पेलिंग 5 पे ले जाओ और ग्रीन वाटर बॉटल से पानी पिलाना स्टार्ट कर दो। अच्छा सर जी। और सर इनका नेम की स्पेलिंग तो 5 पे ही आ रही है इनकी। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। हाँ, और मोबाइल का सॉरी नेम स्पेलिंग 1 पे है, इसका 5 कर देना है, और मोबाइल 5 पे है सर। मोबाइल 5 पे तो बिल्कुल ठीक है, उसमें 248 है। 8 है सर। गलत है, बिल्कुल मोबाइल नंबर चेंज करें जिसमें 248 ना आता हो। अच्छा सर, अच्छा ठीक है सर, थैंक यू मैम। उदय राज पाटिल जी जय गुरु जी। सर जी, जी सर, मेरा ड्राइवर नंबर 6, कंडक्टर भी 6 है, और बहुत बढ़िया, और एंजल जो है वो 4 नंबर आता है। Excellent. और डेट ऑफ बर्थ है 24 नवंबर 1969। ठीक है, तो कॉलेज में अफेयर कितने करे कॉलेज में ये तो बता दो। नहीं सर, वो नहीं किया, वो बात डर लगता था। सामने से बहुत रिस्पॉन्स आया लेकिन डर के मारे कुछ नहीं कर पाया। यही बात है कि 66 वाला अगर मना कर दे तो मन से मना कर दे, वरना अपॉर्चुनिटीज बहुत आती है, क्योंकि घर में स्पिरिचुअल बहुत एनवायरनमेंट था ना, इसके लिए थोड़ा सा हो गया था। चलिए ठीक है, अच्छी बात। और मोबाइल नंबर आता है मेरा 1 6 के ऊपर और 1 7 के ऊपर। आपका मित्र है 1 और 5, जितना हो सके 5 को पकड़ो। अच्छा, जितना 5 को पकड़ोगे, गाय को आलू खिलाओगे, उतना लाइफ में तरक्की होती जाएगी। दो उपाय सोच लो कि रोज करने हैं, एक रोज गाय को 1 किलो आलू खिलाना है, दूसरा चींटियों को आटा खिलाना है। ये दोनों उपाय किए बगैर कल से घर से बाहर नहीं निकलना। बिल्कुल, 1 किलो आटा लेना है, 1 किलो आलू, ओके, 1 किलो आटा लेना है, उसमें 1/2 किलो लिक्विड शुगर, बूरा जिसे कहते हैं, किसी भी दुकान से मिल जाता है, दोनों को मिक्स किया, रोज 100 ग्राम निकाल के चींटियों को डाल देनी है बस। ओके। और कपड़े सर कौन से कलर के? कपड़े बस येलो से दूर रहो, जितना येलो से दूर रहोगे उतना आनंद है। थर्सडे को कोई भी उपाय नहीं करना, थर्सडे को कोई स्पेशल पूजा नहीं करनी बस। अच्छा अच्छा, थर्सडे दुश्मन आपका डियर। अच्छा, और सर दूसरी बात, अभी मेरा नाम जो उदय राज पाटिल 33 के ऊपर किया है, क्या वो सही या गलत है सर? बस और अफेयर करवा देगा, और अफेयर करवा देगा, अब आपकी मर्जी। नहीं नहीं सर, तो उसको पास में ले जाओ।
अच्छा। और सर एक पूछना था। हेलो, हाँ हाँ बोलो बोलो। बेटी का डेट ऑफ बर्थ है 27/9/2000, उसका 9 कंडक्टर आता है और 2 ड्राइवर आता है, वो मेडिकल के लिए कुछ करती है, उसको चलेगा सर? एक्सीलेंट है, उसको भी सूर्य की उपासना सिखाओ, उसके गले में सूर्य बृहस्पति यंत्र पहना दो, हमारे ऑफिस से मिल जाएगा, कि बच्ची डॉक्टर बनना चाहती है उसके लिए बहुत जरूरी है। साथ में उसको एक येलो कलर का ब्रासलेट पहना दो ताकि उसका फोकस हो जाए पढ़ाई पे, जितना ये फोकस करेगी उतना क्लियर होते जाएंगे एग्जाम, क्योंकि कहीं ना कहीं पे 9-2 वालों को बहुत ज्यादा टेंशन हो जाती है अपनी हेल्थ को लेके भी। सो जितना हो सके और, जी दूसरा है सर कि बच्ची की डेट ऑफ बर्थ 5 अगस्त 1999 और दो लोग देख ले, देखो हर एक लास्ट है, उसके नेम के स्पेलिंग 6 पे या 1 पे ले जाओ, वो सबसे बढ़िया रहेगा। और उसको बोलो कि लाइफ में कभी भी ब्लैक और डार्क ब्लू ना पहने, जितना येलो पहनेगी उतना अच्छा है, जितना व्हाइट पहनेगी रेड शेड पहनेगी उतना अच्छा है। डबल 5-5 सर, एक्सीलेंट, और बहुत एक्सीलेंट है। एक और 6 पे नाम कर, अब और हाँ वो एक और 6 पे नाम कर दो, वो ठीक रहेगा। जी करिश्मा मैम। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून जी। सर जैसे मुझे ये पूछना था, जैसे किसी का ड्राइवर नंबर 1 है और उसका कुआ नंबर 8 है और पर्सनल ईयर भी 8 है, तो वो अपने हैंड पे कुआ नंबर लिख सकता है? रोज मैडम रोज, जब भी मैं सिखाता हूँ कुआ नंबर के बारे में, मैं कभी नहीं सिखाता कि उसका दुश्मन कौन है। कुआ नंबर एक ब्लेसिंग्स है जो कि गॉड ने आपको दी है, उसके अंदर उसका कोई भी एनिमी नहीं है। हमेशा कुआ नंबर को एक आशीर्वाद मानो और जितना हो सके उसको ग्रीन पेन से लिखो। ओके सर। जी करिश्मा। और सर एक चीज और थी। हाँ जी बोलो बोलो बोलो। सर वही कुआ नंबर का पूछना था, बट आप कह रहे हो कि कुआ नंबर लिख सकते हैं? रोज लिखो, रोज लिखो, ब्लेसिंग्स है, ब्लेसिंग्स है, रोज लिखना है। अगर मिट जाए फिर लिखो, फिर मिट जाए फिर लिखो। सर ग्रीन पेन से ही? ओनली ग्रीन पेन से। ओके, ओनली एंड ओनली ग्रीन पेन से। जी बोलो। ओके सर। ओके, जैसे मेरा ड्राइवर 9 है और सर जैसे सामने वाला ड्राइवर पुअर है, तो मेरी उससे बिल्कुल नहीं बनती? नहीं बनेगी। आप मंगल हो वो राहु का, बिल्कुल नहीं बनेगी। उसका मित्र है सूर्य, या तो सूर्य को लेके आओ या बुध को लेके आओ, तभी बनेगी। पर जैसे एक ही घर में रह रहे हैं तो मतलब तो क्या करें कि बने दोनों की? कोई नहीं, आप दोनों के लिए एक बेनिफिशियल उपाय है, आप भी एक रोज क्वार्ट्ज पहनो ताकि आपके उनसे रिलेशनशिप अच्छे हो। उनको बोलो कि साथ में एक कहीं ना कहीं पे हनुमान जी की सेवा करें। हनुमान जी मेल है फीमेल है? सर फीमेल है। हाँ तो बस ठीक है, फिर तो कोई दिक्कत नहीं। आप भी रोज क्वार्ट्ज पहनो, उनको भी रोज क्वार्ट्ज पहनाओ, दोनों के रिश्ते अच्छे हो जाएंगे। सर मुझे समझ नहीं आया क्या पहने। रोज क्वार्ट्ज ब्रासलेट 7 चक्रा। ओके सर। आप मुझे व्हाट्सएप कर देना, आपको उसकी फोटोग्राफ दिख जाएगी, आप मंगा सकते हो हमारे ऑफिस से 9911736555। हाँ जी सर। 9911736555। आप रिपीट कर दीजिए, एक्चुअली ना मेरे म्यूट हो गया था तो मैं सुन नहीं पाई। 9911736555 इस पे कॉल बैक कर लीजिए। 736555। ओके सर। और जो आप ये हनुमान जी का कह रहे हैं, तो जिनका ड्राइवर नंबर 9 है उनको करना है? सब क्यों करना है, जो भी कर सकते हैं, 9 वाले भी करें, 4 वाले भी करें, तभी ब्लेसिंग्स आएगी। जी विशाल भाई। जी सर। जय गुरु जी सर। जय गुरु जी डियर। सर मेरी डेट ऑफ बर्थ है 24 मई 1995। ठीक है जी। ड्राइवर 6 और कंडक्टर 8 है सर। ठीक है, वेरी गुड, अच्छा कॉम्बिनेशन। सर मेरी ग्रिड में 3 बार 555 आ रहे हैं, 2 तो डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से और 5 कुआ नंबर के हिसाब से। ठीक है जी, बिल्कुल ठीक है। तो सर मैं ये पूछना चाह रहा हूँ, क्या मैं ग्रीन एवेंचुरियन ब्रेसलेट पहन सकता हूँ? बिल्कुल, आप उससे बढ़िया वाला ब्रेसलेट पहनो, सेलेनाइट वाला, प्योर सेलेनाइट वाला ब्रेसलेट पहनो, वो आपको ज्यादा सक्सेस देगा। ऑलरेडी आपके पास 3 बारी 5 है, तो उसको ग्रीन एवेंचुरियन ना पहनो, वहां पे सेलेनाइट वाला पहनो, प्योर सेलेनाइट वाला। जी जी सर। मेरा जो वो आपका भाग्य और अच्छा सुधारेगा। जी 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 सर। मेरा जो फोन नंबर है वो उसमें 248 तो है नहीं कि नंबर में। ठीक है वो सर, लेकिन 8 पर आ रहा है। गलत है ना, तो आ गया ना फिर 8। पहले ही आपके पास 8 है, बिल्कुल इस नंबर को डिस्कार्ड करो, इसको इनकमिंग में रखो और एक नया नंबर लो जिससे आप आउटगोइंग कर सके। जी
तो सर मुझे 5 का सपोर्ट लेना है या 6 का ज्यादा लेना है? 6 का जी। सर मुझे एक चीज और पूछनी कि मैं ना जो जॉब में जाना है, जॉब अच्छा रहेगा मेरे लिए, बिजनेस अच्छा रहेगा? बिजनेस अच्छा रहेगा, जितना आप फोकस कर सकते हो बिजनेस पे करो, चाहे अभी करोगे चाहे 3 साल बाद करोगे, आपको बिजनेस ही करना है आके। जी। थैंक यू विशाल भाई। प्रियंका मैम, जय गुरु जी। आप सुन पा रहे हैं? आवाज आ रही है, बताइए कैसे हैं आप? जय गुरु जी। मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? जय गुरु जी। हाँ, मेरा एक्चुअली 6 May 1986 है। सिक्स हो रहा है मेरा मूलांक और भागदंग हो रहा है 8। ओके। हाँ, और मेरा 2 मोबाइल नंबर है, एक 6, एक 4 पर आ रहा है, एक 8 पर आ रहा है। दोनों ही नंबर गलत है मैम, दोनों ही नंबर गलत है। आपका दुश्मन जो है वो 1 नंबर भी है, 2 नंबर भी है, 3 भी है, 4 भी है, 8 भी है, 9 भी है। आपके अच्छे मित्र हैं 5, 6 और 7। आपको अपना सब कुछ जो है वो 5 पे ले जाओ। 5 पे ले जाना है। और उस मोबाइल में 248 नहीं आएगा, तभी आपको ब्लेसिंग्स आएगी। और एक तो पूछना है, मेरा हस्बैंड का 11/11/1981 है। Okay. मतलब उसका 6/1 रिपीट हो रहा है, 1 आता है, तो उसका भागदंग हुआ 2 और मूलांक हुआ आपका 4। नहीं नहीं, 2, 2, 4, 81 बोला है ना? 81। हाँ, तो 2, 2, 4 और एक 5 होगा, देखो आप ध्यान से। पांच अपने आप में बहुत बड़ा स्पोर्ट है। उनको भी बोले आप कि ब्लैक और डार्क ब्लू कपड़े कभी मत पहने, अपने घर में एक एक्वेरियम लेके आओ, उसमें एक जो है फिश ब्लैक कलर की, एक फिश ब्लू कलर की, और बाकी जो भी फिशेस हो 7 आपकी मर्जी के हिसाब से, जितना भाई साहब फिशेस को खाना डालेंगे उतना आपकी लाइफ में पैसा, प्रॉपर्टी, चीजें बनती जाएगी। और एक बार वो डायरेक्शन पूछे, मतलब एक्वेरियम को नॉर्थ। जब आप फिशेस को देखो तो हमेशा आपकी पीठ समझ लो साउथ में हो, एक्वेरियम नॉर्थ में हो। बहुत बहुत धन्यवाद। जय गुरु जी। जसलोक भाई, जय गुरु जी। जय गुरु जी सर। जी डियर। हाँ सर, ये मेरी वाइफ का डेट है 7/11 जी 1976। ठीक है। ड्राइवर 7, ड्राइवर 7 है, कंडक्टर 5 है, कुआ नंबर 9 है। बहुत बढ़िया डेट ऑफ बर्थ है। उनका तबियत शादी के बाद जरा ठीक नहीं रह रहा है भाई। 77 है ना, गले से लेके पेट तक प्रॉब्लम है सारी की सारी। हाँ, उसके लिए आप जितनी तो बोलो डॉग्स की सेवा कर सकते हैं, डॉग्स की सेवा करें, इनके नेम के स्पेलिंग को करेक्ट करवाओ, क्योंकि जब तक नेम के स्पेलिंग करेक्ट नहीं होंगे आशीर्वाद नहीं आएगा। कितने पे लेना पड़ेगा उसको? 5 या 6 पे देखना पड़ेगा, प्रॉपर वर्किंग करनी पड़ेगी उसके लिए। और इनका जो एंजल नंबर है वो 9 है, तो इनके हाथ पे इनका एंजल नंबर रोज लिखवाओ विद ग्रीन पेन। और सर ये उतना एंजल नंबर लिखते जाएंगे उतना इनके लिए आशीर्वाद आएगा। हाँ सर। और सर ये जो आप लोसो ग्रिड बताए थे, हाँ, उसमें अगर सब नंबर आ गए, हाँ, फिर भी तकलीफ है अपने को, तो क्या हो सकता है उसमें? डियर, तभी तो आप और मैं इस कोर्स को सीख रहे हैं कि अगर तकलीफ ही गायब हो जाती तो आपकी और मेरी किसी भी कुछ करने की क्या जरूरत पड़ती। हम सभी कहीं ना कहीं पे अपने घर के अंदर भगवान बन के बैठ जाते। इस कोर्स को समझने का कारण यही है कि आप इसको समझो, इसकी फ्रीक्वेंसी से जुड़ो कि कैसे आपको लाइफ के अंदर इससे आशीर्वाद मिल सकता है। क्योंकि जब भी आप पैदा होते हो नंबर आपके साथ जुड़ जाते हैं, और हमें ये चीज देखनी है कि हमें कैसे उसके अंदर से आशीर्वाद लेना है बस। तो आप आओ, इस कोर्स को ज्वाइन करो, आपके लिए एक ये बहुत बड़ी ब्लेसिंग्स हो सकती है। इसके अंदर हम पूरा आपको बेसिक, एडवांस एंड प्रोफेशनल तीनों सिखाने वाले हैं। तो वही अभी क्या कंडीशन जरा खराब चल रहा है ना, कोर्स के लिए भी प्रॉब्लम है इतना, इसलिए मैं बोला आप अगर कुछ बता दे रेमेडीज तो अगर ठीक हो जाए कंडीशन तो आप डॉग्स की सेवा करो, जितना हो सके डॉग्स की सेवा करोगे उतना आपके लिए लाइफ। नहीं, ये तो वाइफ का था और मेरी बात कर रहा था मैं, जो आप अपने बिजनेस के लिए और उसके लिए चींटियों की सेवा जो बताया है वैसे करें, और गाय को रोज आलू खिलाओ। मैं जो भी कुछ बना हूँ पिछले 10 साल से गाय को आलू खिला के बना हूँ। लाइफ में जितनी बड़ी प्रॉब्लम हो, जितनी गाय की सेवा करोगे, उसे भोजन करवाओगे, उतना लाइफ के अंदर आशीर्वाद आता जाएगा। ठीक है, थैंक यू सर। थैंक यू जी। जी इमरान भाई। जी सर,
जय गुरु जी। सर जय गुरु जी, आ रहे आवाज? बिल्कुल लाउड एंड क्लियर। सर मुझे वाइफ के बारे में पूछना था जी, हम दोनों का कंपेबिलिटी के लिए पूछना था सर। दोनों का जो डेट ऑफ बर्थ 27 है सर, मतलब उनका ड्राइवर 9 है। ड्राइवर हाँ 9 है मेरा भी और वाइफ का भी। मेरा कंडक्टर 9 है और उनका 4 है। ओके, तो कहीं ना कहीं पे आपका 9 और 9 है, भाभी का 9 और 4 है। आपको जितना हो सके थर्सडे के थर्सडे 9 गरीब बच्चों को या तो फ्रूटी या कुछ येलो स्वीट्स खिलानी ही खिलानी है। जितना आप यस थर्सडे के थर्सडे शाम को 5 बजे के बाद साईं बाबा टेंपल जाओ और वहां पे जाके उसको बांटो। जितनी आप थर्सडे को सेवा करोगे गरीब लोगों की, उतना आपके लिए लाइफ में अपलिफ्टमेंट आएगा। ओके जी। तो सर वाइफ के लिए कुछ जॉब या बिजनेस उनको मिल सकता है सर? कौन से फील्ड में करना चाहिए? अच्छी रहेगी आईटी में, अगर कर सकते हैं तो आईटी में जॉब करें। नहीं तो कुछ भी ऐसा चीज जो मीडिया एंटरटेनमेंट के साथ जोड़ के कर सकते हैं उनको बोलो वो कर ले, वो भी इनके लिए ब्लेसिंग्स हो सकती है। ओके, और मीडिया एंटरटेनमेंट। और कुछ इनको ब्रेसलेट वगैरह पहनाना पड़ेगा? बिल्कुल, ग्रीन एवेंचुरिन ब्रेसलेट और सेलेनाइट और टर्मोलिन, ये दोनों ब्रेसलेट इनको बोलो पहनने के लिए, बहुत जरूरी है। मैं कॉन्टेक्ट करता हूँ सर आपका नंबर से। और सर ये इनको मोबाइल नंबर कौन से नंबर पे करना पड़ेगा? 5 पे, सीधा 5 पे, उस पे 248 ना आए। ओके, टोटल 5 पे। अभी सर उनको किसी एस्ट्रोलॉजर ने वो ग्रीन कलर का जो स्टोन आता है ना, जी जी, ग्रीन कलर का पन्ना बोलते हैं, पन्ना हाँ, वो रिकमेंड किया था उन्होंने, वो भी पहन रखा है। जी जी ठीक है। देखो मेरे को डियर एस्ट्रोलॉजी नहीं आती, उन्होंने पहनाया तो बिल्कुल ठीक पहनाया होगा। मैं जिस साइंस को जानता नहीं हूँ, मैं उसके बारे में भाई कुछ भी कमिटमेंट नहीं कर सकता। ओके सर, ओके। तो ये जी श्वेता मैम। सर मेरे पापा का कैप्टन 6 है और वाइस कैप्टन 9-7 है। ठीक है। और सर उनका पैसा मतलब आने का है पर आ नहीं रहा है मतलब। ओके। एंड तो वो कैसे? पापा को बोलो कि जितना हो सके हनुमान जी की सेवा करें। पापा की डेट ऑफ बर्थ क्या है? सर 24/9/1955। ठीक है। पापा के पास 5 भी है और 6 भी है। पापा को बोलो डेली गाय को आलू खिलाएं और इसी भाव के साथ खिलाएं कि मेरा पैसा वापस आ गया है। एक दूसरी चीज, एक हमारे पास टूल है विश पिरामिड, पापा को बोलो वो मंगवा लें, 4000 रुपए का आता है। उसमें अपनी विश को कैसे इंस्टॉल करना है जब आप मंगा लोगे आपको बता दिया जाएगा। कहीं ना कहीं पे पापा की डेट ऑफ बर्थ अच्छी है, पैसा वापस मिल सकता है। ये दोनों चीज पापा फॉलो करें तो रिजल्ट आ जाएगा। सर मेरी वाइस कैप्टन, मेरी कैप्टन 9 है और वाइस कैप्टन 7 है और मेरा डेट ऑफ बर्थ है 27/2/2003। मेरे में 3 है पर मतलब मुझे पढ़ने का बहुत मन करता है पर मेरा कंसंट्रेशन नहीं बैठता है। जब भी आप पढ़ाई करते हो आपका फेस किस तरफ होता है? सर मेरा फेस नॉर्थ की तरफ होता है और ईस्ट की तरफ। कोशिश ये करो कि नॉर्थ की तरफ करो, प्रॉपर 0° नॉर्थ। आपकी पीठ साउथ में और आपका फेस जो है वो नॉर्थ में। बैक साउथ में रहेगा और फेस नॉर्थ पे रहेगा। बिल्कुल बिल्कुल। थैंक यू सर। चलिए जी एकता मैम, जय गुरु जी। मैम आप अनम्यूट नहीं हुए अभी तक। हेलो जी जस्मीन मैम। हेलो सर, गुड आफ्टरनून जी मैम। जय गुरु जी। जय गुरु जी। मैं ये लेक्चर फर्स्ट टाइम अटेंड कर रही हूँ, मुझे न्यूमरोलॉजी के बारे में कुछ भी पता नहीं है। मेरा डेट ऑफ बर्थ 21/09/1969 है। ओके, आपका ड्राइवर 3 है, लिखो आप 21। ड्राइवर 3 है हाँ, और इसको पूरा एड अप करो तो कितना आ रहा है बताओ मुझे। मैं समझी नहीं कुछ। आप डेट ऑफ बर्थ लिखो, आपने क्या डेट ऑफ बर्थ है आपकी? 21/09/1969। हाँ, तो आपको जो टोटल आ रहा है वो आ रहा है 1 करके देखोगे आप, सबका हाँ। टोटल करके 1 आ रहा है। तो आपका ड्राइवर 3 है, आपका कंडक्टर 1 है। ओके, ये एक अच्छा कॉम्बिनेशन है। आपको जितना भी है व्हाइट कपड़ों से, ब्लैक और डार्क ब्लू कपड़ों से दूर रहना है। यू आर अ गुड सोल, जितना हो सके थर्सडे को गरीब बच्चों को या तो फ्रूटी पिलाओ
या कुछ येलो स्वीट्स खिलाओ एटलीस्ट 9 पीपल को. 9 पीपल? यस. ओके, येलो स्वीट और फ्रूटी कुछ भी, दोनों में से जो एक मिल जाए. ओके, एवरी थर्सडे? एवरी थर्सडे. ओके, मुझे वो करियर के बारे में जानना था. मैं LIC बिजनेस में हूँ 17 इयर्स से, लेकिन मेरा प्रोग्रेस कुछ भी नहीं है. टीचिंग में जाते मैडम, टीचिंग में जाते, टीचिंग के लिए बने हो आप, यू आर अ गुड टीचर. इस प्रोफेशन को सीखो. हमारा 3 तारीख से कोर्स आ रहा है, आप नो डाउट 3 नंबर वाले हो. आप लाइफ में टीचिंग के थ्रू बहुत कुछ कर सकते हो. ओके. मैं खुद इंश्योरेंस में था, लगता है मुझे तो कुछ लेना देना नहीं है टीचिंग से. मेरा सेल्फ कॉन्फिडेंस ही इतना लो है कि मैं सामने वाले को नहीं, नहीं, आप कर सकते हो. पहली बात तो यही समझो कि आपको जो डेट ऑफ बर्थ भगवान ने दी है वो कितनी यूनिक है. ये तभी होगा जब आप चीजों के साथ जुड़ोगे. मैं खुद इंश्योरेंस में था 12 साल, और मैं बजाज अलियांस, ICICI प्रूडेंशियल, HDFC, कोटक महिंद्रा, इन सबके साथ मैं कर चुका हूँ. तो मेन चीज यही है कि आप इसको जुड़ो. आपकी डेट ऑफ बर्थ मेरी डेट ऑफ बर्थ से भी अच्छी है. अगर आप इसको जुड़ के करते हो तो स्काई इज द लिमिट. मतलब आप ये कहो कि संदीप भाई 10 लाख रुपए महीना कमाना आपके लिए नट शेल है, ना के बराबर है 10 लाख रुपए महीना कमाना. मैं नहीं कह रहा कल सुबह हो जाएगा, बट करके देखो. इतना काम है मार्केट में, इतना काम है कि आप थक जाओगे, काम आना बंद नहीं होगा. बराबर जी. तो मुझे क्या करना है टीचिंग? एक अपना मोबाइल नंबर चेंज करो सबसे पहले. ओके. इस कोर्स को ज्वाइन करो 3 जून से. ओके. डिटेल्स आपको मिल चुकी है, नोट कर लो 9911736555. हाँ, वो लिख लिया है मैंने. आप हमें कॉल बैक करो, आपको बता देते हैं. 3 जून से हमारा कोर्स स्टार्ट हो रहा है. From 3 to 5 हमारा बैच होगा. आप उसमें आओ और देखो कैसे इस साइंस से जुड़ के आप लाइफ में फायदा उठा सकते हो. ओके, थैंक यू सर. वेलकम मैम. थैंक यू. एकता मैम, अनम्यूट करो. मैम अनम्यूट करो. हाँ जी मैम. सर जय गुरुजी. जय गुरुजी मैम. सर मेरा डेट ऑफ बर्थ है 20 जनवरी 1994. ओके. जो कि आ रहा है ड्राइवर 2 और कंडक्टर 8. हाँ जी सर. जैसे कि आपने YouTube पर वीडियो डाला था ना, मतलब 2 और 8 का कॉम्बिनेशन का जो सारा कुछ भी जी, तो सर उसमें तो मतलब वो वीडियो देख के मतलब बिल्कुल ही कॉन्फिडेंस लूज हो गया है. मतलब क्या करेंगे लाइफ में, मतलब स्ट्रगल है. ये तो बात है ना, समझ में तो आया ना कि स्ट्रगल है. अब उसका सलूशन भी हम देंगे. आप ब्लैक कपड़ों से दूर रहो जितना हो सके. शनि जितना हो सके आपको सूर्य को जल नहीं देना. अगर आप सूर्य के पास जाते हो तो वो आपके सबसे बड़े एनिमी है. जितना हो सके लाइफ के अंदर गाय की सेवा करो, चींटियों की सेवा करो, और अपनी नेम के स्पेलिंग को 5 पे लेके आओ और देखो कितना ब्लेसिंग आती है. नेम की स्पेलिंग 5 पर ही है बस. ठीक है, उसको रोज लिखना स्टार्ट करो 104 दफा. मैं अब तक अपने नेम के स्पेलिंग को 101,75,000 बार लिख चुका हूँ पिछले 10 सालों में. मेरा इस विद्या के ऊपर विश्वास है एकता मैम, इसलिए मैं इसको रोज सुबह उठ के 50 दफा लिखता हूँ. अब तक मैं 2.25 लाख बार लिख चुका हूँ. जी हाँ, 104 times. मतलब जॉब वगैरह भी मतलब पढ़ रही हूँ, कोशिश मतलब भरपूर है, लेकिन आप एक अच्छे गवर्नमेंट सर्वेंट बन सकते हो. आप सिर्फ फोकस होके पढ़ाई करो, जितना हो सके येलो, वाइट, क्रीम, ग्रीन ये पहनो, ब्लैक और डार्क ब्लू इनसे बिल्कुल दूर रहो. चलिए, थैंक यू मैम. जी राजीव जैन जी. सर सर जय गुरु जी. जय गुरु जी सर. सर मेरा ड्राइवर नंबर है 1 और कंडक्टर है 1. ओके, ड्राइवर 8 कंडक्टर 1. Yeah, it is 17 February 1962 basically. Okay, okay. And the situation is very, very bad altogether. Ji sir. Right, it's not right now, right from 97 onwards. I don't know why. Okay. Aur abhi bhi matlab kuch bhi nahi kar raha hu, matlab theek hai, matlab because we are a joint family, so surviving on that basically. Ji ji ji. Aur sir actually main आप राजीव जी क्या करना चाहते हो? बिकॉज आपका भी 81 है, मेरा भी 81 है, आपके पास 77 है, एक अच्छी डेट ऑफ बर्थ है, आपके पास 276 भी है. आप स्कूल में कॉलेज में कितने अच्छे स्पोर्ट्स पर्सन थे? मैं स्पोर्ट्स पर्सन नहीं था सर, आई वाज गुड रीड, मतलब दिस थिंग ऑन अ स्टूडेंट वाइज आई वाज ओके.
Well, I was scoring something around height second at the single reasons and all that. Okay. Though my focus again, it was correspondence kar raha, kyunki factory bhi shuru kari thi humne. Okay. Business bhi shuru kar raha, service mein karta tha for last 18 years. Okay. And to the extent mera jo working hota tha, to the Airtel chief jo hai, even unke saath meri mock meeting hoti rehti thi saath mein. So we used to be the same clients and all that. Okay. And sab kuch mera used to go at the top level basically jata tha, but all of a sudden it used to come down with a third altogether. Factory kis cheez ki aapki? Sir, ab jo hamari jo lagai hai, that is for printing and packaging, sir. We are doing printing for educational books, sir. Theek hai. Yeah. दोनों ही काम आपके लिए अच्छे हैं, प्रिंटिंग का भी और एजुकेशन से रिलेटेड दोनों काम आपके अच्छे हैं. सिर्फ एक मेन चीज है कि आप लाइफ के अंदर अपने नेम के स्पेलिंग को 5 पे लेके जाओ, अपने मोबाइल नंबर को 6 पे लेके जाओ. नेम स्पेलिंग ऑन 5, नेम ऑन 5 सर. ओके. मोबाइल नंबर ऑन 6, राइट सर. अकाउंट नंबर ऑन 6, सिग्नेचर ऑन 5 और 6. योर बिगेस्ट एनिमी आर 1, 2, 4, 8, 9. 1, 2, 4, 8, 9. सर, माय वाइफ डेट ऑफ बर्थ इज आल्सो, शी इज आल्सो 8 February 1967. ओके. तो मतलब वी बोथ आर 8 नंबर, तो वो तो कोई गड़बड़ तो नहीं हो रही सर कहीं पे? तो सर अब तो जो हो गई हो गई, अब तो जो हो गया सर, अब तो शादी हो चुकी है, तो एंजॉय करने वाली बात है बस. नहीं, दैट इज वेरी ट्रू, दैट इज वेरी. मेन थिंग इज दैट कि आप दोनों को शनि टेंपल बिल्कुल भूल के नहीं जाना है, ना सूर्य को जल देना है. जितना हो सके आप दोनों मिलके गाय की सेवा करो और साथ में फ्राइडे के फ्राइडे खीर बनाओ और दोनों मियां बीवी खीर को बांटो. मैं आपको एश्योरेंस तो नहीं दे सकता, बट इतना अच्छी रेमेडी है कि अगले 6 महीने में आप हो गए संदीप भाई मजा आ गया. 2 किलो दूध की खीर बनाओ, दोनों मियां भी खड़े होकर बांटो. अच्छा सर, ठीक है. मंदिर में जाके बांटे उसको सर? मंदिर में बांटो, घर के बाहर बांटो, एक ही बात है. मंदिर में जाके बांटो तब भी ठीक है, कोई बुराई नहीं है. अच्छा जी. अच्छा सर, मतलब फाइनेंशियली सर क्या, सो मतलब आई हैव पीएस सोल्ड अ हाउस, एवरीथिंग हैज गॉन डाउन बेसिकली. कोई बात नहीं, फिर बन जाएगा, नो डाउट. 8 वाले 2 वाले 4 वाले, ये ऐसे 3 नंबर है, 2, 4, 8. ये लाइफ के अंदर, लाइफ में इनको डाउनफॉल आता ही आता है, ऑल बिकॉज ऑवर बैड कर्मा. आप 8-1 हो, मैं खुद 8-1 वाला हूं. मैंने लाइफ में 45 साल खून के आंसू रोए हैं. आज भगवान ने मुझे ब्लेसिंग्स क्यों दी है, क्योंकि मैंने ये सब रेमेडीज करी हैं. वही रेमेडीज आपको सजेस्ट कर रहा हूँ बस. परफेक्ट सर. एक छोटा सा एक और सर, एक्चुअली हम इसी के ऊपर बहुत डिपेंडेंट अब हुए हैं, क्योंकि ये काम काफी शुरू करवा रहा है, काफी इनोवेटिव है, इज वेरी इनोवेटिव दैट वे. ड्राइवर थोड़ा इसका कंडक्टर, कंडक्टर इसका है सर, इज बेसिकली कंडक्टर इज 1 सर. ओके, वेरी गुड कॉम्बिनेशन. आप इनको बोलो कि ब्लैक और डार्क ब्लू कपड़े पहनना बंद कर दे, इनके लिए सबसे अच्छा रहेगा. और साथ में कोशिश ये करो कि घर में एक एक्वेरियम ले आओ और ये एक्वेरियम से फिशेस को फीड करे. 9 फिशेस हो, ये जितना फिशेस को खिलाएंगे उतना इनकी लाइफ में प्रॉस्पेरिटी आती जाएगी. और इनको बोलो साथ में रोज सुबह सूर्य को जल दे. सर एक्चुअली प्रॉब्लम क्या है, वो रात को बोलते हैं, वो यूएस मार्केट करता है रात को सर. ओके ओके. ही गेट्स अप वेरी लेट बेसिकली समथिंग अराउंड. कोई नहीं, फिर एक्वेरियम ले आओ और गाय को आलू खिलवाओ. तो आदित्य खिलाए सर, बेटा खिलाए उसको? बेटा खिलाए, बिल्कुल बेटा खिलाए. मैं खिला दूं उसकी जगह? नहीं, आपने बिल्कुल नहीं खिलाना, बेटा ही खिलाएगा. फिशेस को बेटे के लिए मंगा रहा हूँ. आपकी रेमेडी अलग है, बेटे की रेमेडी अलग है. एक्चुअली वो रहता गुड़गांव में सर बेसिकली. कोई नहीं, उसे बोल दो वहां से ना कर लेगा, कोई दिक्कत नहीं है. ठीक है, एक्वेरियम वहीं पे रखे सर अपने वहां? नॉर्थ में रखे एक्वेरियम. ठीक है, एनी पर्टिकुलर फिशेस सर? 1 ब्लैक 1 डार्क ब्लू, रेस्ट हिज चॉइस. हाउ मेनी सर टोटल? 9 फिशेस. और सर उसके पास ना, ही इज केप्ट टू पेट डॉग्स विद हिम. हाँ ठीक है, जितनी सेवा करे तो, अच्छी बात है, कोई बुराई नहीं. हाँ, उसने बुराई नहीं है. एक्चुअली वो कर रही है अब डॉग्स पेट का ना, वो पेट क्लिनिक वगैरह खोले हुए उसने, मतलब गुड़गांव में भी खोला हुआ है और एक फरीदाबाद में भी खोल रहा है, स्टेइंग इन फरीदाबाद एक्चुअली. कोई दिक्कत नहीं, तो वो कह रहा है, तो वो मेरे को कह रहा है टू टेक केयर ऑफ दैट. उसमें एक्वेरियम भी ऐड कर लो. कहां पे सर अपना ये? उसमें एक्वेरियम भी ऐड कर लो वैरायटी के लिए. बेटे को बोलो उसमें एक्वेरियम भी ऐड करे. राइट सर, मतलब यू शुड कीप दैट एक्वेरियम. वो तो एक्वेरियम घर में रखना है, साथ में बिजनेस के लिए एक्वेरियम भी ऐड कर ले, फिशेस भी ऐड कर ले.
चलो ठीक है मैं कह देता हूँ। जी अभिषेक भाई, जी अभिषेक भाई, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। ओके सर, ओके, जी अभिषेक भाई बोलिए। गुरु जी थैंक यू फॉर गिविंग मी द चांस अगेन। गुरु जी एक बात पूछना था, मेरा पूरा नाम है अभिषेक साहा। हेलो, हाँ जी आवाज आ रही है, बोलिए। अच्छा तो उनका टोटल आ रहा है 7, अगर मैं सिर्फ अभिषेक करूँ तो 6 आ रहा है। जी एंड माय डेट ऑफ बर्थ इज 9/9/2 है, सीधा अपने नेम के स्पेलिंग 5 पे ले जाओ, 5 पे। हाँ जी दोनों तो नाम गलत है आपके, अभिषेक साहा पूरा लो और सीधा नेम के स्पेलिंग 5 पे ले जाओ। ओके एंड सर मैं सोशल वर्क में एक्टिविटीज में हूँ, जहाँ पे मैं ट्रेनिंग देता हूँ, मतलब टीचिंग करवाता हूँ, तो क्या वही सही है या मैं उसको बदल दूँ? एक्सीलेंट है। ओके ओके ओके, कम्युनिकेशन एंड क्राइम एक्टिविटीज के ऊपर टीचिंग, टीचिंग जितना कराओगे उतना अच्छा रहेगा आपके लिए। ओके 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 गुरुजी, ओके गुरुजी। ये अरविंद भाई। हेलो, हाँ नमस्कार गुरुजी। जी नमस्कार डियर। सर मेरी, मेरा ड्राइवर है 2, कंडक्टर है 1, ठीक है, और कुआ नंबर है 4, ठीक है, और नेम नामांक आता है वो आता है 7, ठीक है, अभी तक कुछ भी नहीं है, सब अप एंड डाउन अप एंड डाउन, जिसमें 8 डालो सब खराब। आपके लिए ही कोर्स लेके आ रहे हैं ताकि आप इस विद्या को सीखो समझो और कैसे लाइफ में इस न्यूमरोलॉजी से आप फायदा उठा सकते हो। पहली चीज, ड्राइवर कंडक्टर कितना बोला आपने? सर ड्राइवर 2 है और कंडक्टर 1 है। बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है, अमिताभ बच्चन का भी यही है, सिर्फ फोकस हो। आपकी नेम की स्पेलिंग जो 7 पे आ रही है वो बिल्कुल गलत है, सीधा नेम की स्पेलिंग जो है उसको आप 5 पे ले जाओ। जितना लाइफ में 5 को पकड़ोगे उतना आपकी लाइफ में आशीर्वाद आएगा। आज के बाद कभी भी आपने ब्लैक और डार्क ब्लू कपड़े नहीं पहनने, जितना इनसे दूर रहोगे उतना ब्लेसिंग्स आएगी। और घर में एक एक्वेरियम लेके आओ और उसके अंदर 9 फिशेज हो, नॉर्थ में रखवाओ। जी 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 सर, एक सेकंड, मेरी वाइफ है, उनकी उनकी डेट ऑफ बर्थ है 8/5/1988, ठीक है, तो उनका ड्राइवर है 2/5/8/8, ड्राइवर 8 होगा ना, 8/5 बोला ना? नहीं 5/8/5/8, अच्छा हाँ जी, हाँ जी। और कंडक्टर 3 हो गया सर, ठीक है, बिल्कुल ठीक है, बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है 5/3। एंजल नंबर 2, ग्रेट, एंजल नंबर लिखवाओ हाथ पे, उल्टे हाथ पे 2 नंबर, ठीक है सर जी, बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है। नॉन वेज तो नहीं खाते? नहीं सर बिल्कुल नहीं खाते। बस ठीक है, उनको बोलो जितना हो सके थर्सडे को गरीब लोगों को कुछ ना कुछ येलो स्वीट्स बांटे, पहली चीज जी। इसके साथ साथ उनके नेम के स्पेलिंग 1 पे ले जाओ और ब्लेसिंग्स हो जाएगी। नेम उनका उपासना है 1/1 पे ले जाओ। ओके 1 पे, और उनको बोलो कि व्हाइट कपड़े बिल्कुल ना पहने, व्हाइट उनके दुश्मन है। ओके सर, थैंक यू सर। राहुल भाई जय गुरु जी। जय गुरु जी सर। जी राहुल भाई मैसेज। सर मैं मैसेज देता हूँ, सबसे पहले मैं ये दो चीजें आप वहां पे सबको क्लियर कर दो, क्योंकि देयर वाज टू थिंग्स जो यूट्यूब पे अभी आपके लिए किसी ने मैसेज किया था, बहुत अच्छा नहीं था मुझे, आप पब्लिकली वो क्लियर भी कर दो कि आपके वीडियो से कोई निराश नहीं होगा, उसके अंदर बहुत सॉल्यूशंस भी देते हैं जो 4/8 वाला स्ट्रगल है तो डेट ऑफ बर्थ में है, इसीलिए आप ये बताते हो। दोस्तों मेरा एक ही पर्पस है कि मैं आपको इस विद्या से उजागर कर सकूं। मैं खुद 8 वाला हूं, अभी मैडम ने बोला कि वो 2/8 वाली थी और उनको वीडियो देखने के बाद बहुत कहीं ना कहीं पे टेंशन हुई कि हम इसमें कैसे लाइफ को जिएंगे। दोस्तों लाइफ के अंदर अगर आपको ये डेट ऑफ बर्थ मिली है और उसके अंदर ब्लेसिंग्स नहीं है, क्योंकि आपके कहीं ना कहीं पे नेम की स्पेलिंग, आपका मोबाइल नंबर, आपका सिग्नेचर, आपका अकाउंट नंबर, आपकी वो रेमेडीज नहीं कर पा रहे हो आप, इस वजह से वो प्रॉब्लम आ रही है। हमारा पर्पज यही है कि आपको उस विद्या के साथ जोड़ के वो रिजल्ट दे सके। मैं खुद 8/1 वाला हूं, मेरी नेम की स्पेलिंग 1 पे थे, मेरी ग्रिड के अंदर 6 बारी 1 है और मेरी नेम की स्पेलिंग 1 पे थे। जितनी स्ट्रगल, जितनी स्ट्रेस मैंने देखा है मैं आपको बयान नहीं कर सकता। तभी मैं कहता हूं कि लाइफ में जिनका डेट ऑफ बर्थ 2 है, 4 है और 8 है, उनकी लाइफ में स्ट्रेस, टेंशन, हर्डल्स, तकलीफ सबसे ज्यादा है। आप देखो ना अमिताभ बच्चन 2 तारीख वाले, नो डाउट फेम है, बट उनको कितनी हेल्थ प्रॉब्लम है।
दिलीप कुमार दो नंबर वाले बेबी नहीं है, लाइफ के अंदर कितनी अभी हेल्थ प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं। ओशो दो नंबर वाला लाइफ में कितने कोर्ट केस, कितनी टेंशन ने देखी। आप लाइफ में जैसे जैसे देखते जाओगे 2, 4, 8 आपको समझ में आएगा। हमारे दाऊद इब्राहिम 8 और 4 वाले, हमारे ओसामा बिन लादिन 1 और 8 वाले, किम जोंग 4 और 8 वाले, ये सबके नाम मैं क्यों आपको बता रहा हूँ ताकि आप समझ सको कि जिसकी डेट ऑफ बर्थ में 2, 4, 8 आ गया उनकी लाइफ में टेंशन 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 है। और सॉल्यूशन जो नंबर देते हैं वो देते हैं 1, 5 और 6। आप जितना जितना इनसे सपोर्ट लोगे आपको समझ में आएगा कि कैसे आप इसके अंदर से ब्लेसिंग्स ले सकते हो। यही हमारा काम है। देखो आप किसी भी एस्ट्रोलॉजर के पास जाते हो, न्यूमरोलॉजिस्ट के पास जाते हो, वो एक अच्छी फीस आपसे चार्ज करते हैं, और कुछ तो बड़े बड़े नाम है वो तो एक अनरीजनेबल अमाउंट आपसे चार्ज करते हैं। हम सिर्फ ये कह रहे हैं कि आप इस विद्या को खुद सीखो, आप इसको कमर्शियली यूज करो या ना करो दैट इज सेकेंडरी, बट इसको सीखने के बाद आपको समझ में आएगा कि कैसे इस विद्या से जुड़ सकते हो। आप हो, आपके स्पाउस हैं, आपके बच्चे हैं, आपके पेरेंट्स हैं, सबके नेम की स्पेलिंग चेंज करो ना सीखने के बाद, नहीं तो आपको एक ऐसी कॉस्ट देनी पड़ेगी हर एक के लिए, और फिर आपको यकीन उसके ऊपर हो सकता है कम हो। मेरा पर्पस यही है आपको सिखाने का कि आप दिल से इस विद्या से सीखो। 24 दिन हमारा कोर्स चलता है और इसके अंदर हम आपको 3 रिपोर्ट, जी हाँ 3 रिपोर्ट जिसकी कीमत 15,300 रुपए है, हम आपको फ्री में देते हैं। और उसको देने का पर्पस यही है कि आप इस विद्या से जुड़ के कैसे आगे कंसल्टेशन दे सकते हो, आपको वो समझ में आएगा। जी राहुल भाई। एक बात आप दूसरी इनको आप पब्लिकली ये बात भी क्लियर कर देते हैं कि आप रेमेडीज जैसे ब्लू और ग्रीन बोलते हैं, अभी आपने किसी को येलो और किसी एक जने को व्हाइट मना किया, जी 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 जी, तो वो भी उनको पब्लिकली आप ये बात क्लियर कर दो कि ये भी एक क्वेश्चन था यूट्यूब पे कि आप येलो ब्लैक और डार्क ब्लू को ही हमेशा क्यों अवॉइड कराते हो। किसी की डेट ऑफ बर्थ 1 और 3 है तो उसके लिए व्हाइट एनिमी है, किसी का 6 और 3 है तो उसके लिए व्हाइट और येलो दोनों एनिमी है। सब कुछ आपकी डेट ऑफ बर्थ में लिखा है दोस्तों, लेकिन जो लोग 2, 4, 8 को पैदा होते हैं उनके लिए सबसे वर्स्ट कलर है ब्लैक और डार्क ब्लू, यही कलर उनकी लाइफ में सबसे ज्यादा तबाही मचाते हैं। नमस्कार क्लास, मैं राहुल प्रोफेसर स्वागत करता हूं। अभी आपने जैसे सुना संदीप सर ने आपको बताया कि 2, 4, 8 की डेट ऑफ बर्थ से कई लोगों ने मुझे यूट्यूब चैनल पर संदीप सर के चैनल पर कुछ क्वेश्चंस किए थे, तो आंसर यही है कि ऐसा कुछ भी नहीं कि 2, 4, 8 है तो आप निराश हो जाओगे, उसके उपाय हैं, उसकी सॉल्यूशंस हैं। आपकी हर डेट ऑफ बर्थ पर जिस भी है जो आपको जिससे भी आपने गॉड ने आपको ब्लेस किया है उनका पूरा सॉल्यूशन आपको है। आप अपनी ये एजुकेशन लीजिए या कंसल्ट कीजिए, अच्छे न्यूमरोलॉजिस्ट कंसल्ट करेंगे तो 5-10 हज़ार रुपये मामूली फीस है, वो आपको फीस देने से बेटर है आप कोर्स करें, आप अपना और अपने परिवार का भला कर सकते हैं। इससे बेटर ये है कि आपको कौन से नंबर से सपोर्ट लेना है और किस तरीके से उसको करना है, आपका और अपने परिवार का तो आप कर ही सकते हैं, तो वो कंसल्टेशन फीस आपका बच जाता है सबका। दूसरा, ये जो हम 3 जून को जो कोर्स लेके आ रहे हैं ये प्रॉपर कंप्लीट न्यूमरोलॉजी कोर्स है, इसके बाद आपको न्यूमरोलॉजी कोर्स करने की आवश्यकता नहीं रहेगी। आपको क्लियर हो जाएगा कि आपको कैसे करना है, क्या स्टडी करना है और कैसे कैसे यूज करना है। इसके साथ संदीप सर बाय ब्लेसिंग आपको 3 रिपोर्ट्स आपको फ्री कर रहे हैं जिसकी कॉस्ट एक रिपोर्ट की कॉस्ट है 5,100 रुपीज। टोटल फीस टोटल तीनों की कॉस्ट मिला के 15,300 है और फीस जो है आपकी न्यूमरोलॉजी कोर्स की है वो है 14,567 रुपीज। इट्स ऑलमोस्ट फ्री टू यू ऑल गाइज। तो आप जैसे भी जो भी चाहे आप रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं हमारे सब तरीके के ऑप्शंस अवेलेबल हैं। आपके पास पेमेंट गेट में आपके गूगल पे, फोन पे, पेटीएम, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, ईएमआई, बैंक अकाउंट ट्रांसफर, जैसे भी आप करना चाहें कर सकते हैं। संदीप सर एक प्लीज अपना नंबर बताइए इनको जो इससे आप कॉन्टेक्ट कर सकें आप कोर्स के लिए। 9911736555। दूसरा, ईएमआई के लिए आप मुझे डायरेक्ट कॉल कर सकते हैं, मेरा नंबर है 7715930333। मैं दोबारा बोल देता हूँ 7715930333। आप इस कोर्स को ज्वाइन कीजिए, आप सबका स्वागत है और आप
अपनी विद्या से अपना और अपने परिवार का भला करता है और आप इसको प्रोफेशनली भी कर सकते हैं। थैंक यू राहुल भाई, हमारा पर्पस यही है कि देखो आपको एक तरह से जीरो कॉस्ट के ऊपर हम सिखा रहे हैं और 24 दिन ये क्लास चलनी है। आपको 24 दिन के अंदर इसमें करीब करीब 24 से 25 चैप्टर में पढ़ाऊंगा और हर चैप्टर के ऊपर आपको साथ में पूरी डेप्थ के साथ सिखाया जाएगा। मेरे कुछ स्टूडेंट्स हैं जो इस समय कम से कम 1 लाख से 5 लाख रुपए महीना कमा रहे हैं, वो तभी पॉसिबल हो पाया कि उन्होंने इस विद्या को पिछले 3 साल 5 साल 6 साल में सीखा और आज उनकी सक्सेस रेशियो बहुत हाई है। सिर्फ यही एक चीज है कि आप इसको जुड़ो, बस जैसे जैसे जुड़ते जाओगे आपको समझ में आता जाएगा। परवीन मैम, आप हाथ आपने खड़ा कर रखा है काफी देर से, आपके सामने परवीन मैम एक बटन है रिएक्शंस का, मैं इसलिए समझा रहा हूँ कि कभी आगे आप किसी वेबिनार में जाओ तो हाथ मत खड़ा करो। अच्छा। हमें हाथ नहीं दिखाई देता, कारण क्या है, मेरे पास 4 स्क्रीन आ रही है, एक स्क्रीन में 25 लोग आते हैं, मुझे नहीं पता आपका फोटो कहाँ पे है कहाँ पे नहीं, तो राहुल से बात करते करते मैंने स्क्रीन चेंज की तो आपका ऐसे हाथ खड़ा दिखाई दिया। कभी किसी को मैम इसे समझ में नहीं आएगा, आप बाकी बच्चों के देखोगे हाथ रेज हुए पड़े हैं, आपके सामने एक रिएक्शंस का बटन है उसमें हैंड रेज है, आप करोगे देखो जैसे मैंने ये करा ना रिएक्शंस, ये मेरा हैंड रेज देखो हो जाएगा। अच्छा जी, मैं आपको समझाने की कोशिश कर, हाँ जी, ये करो, पता नहीं था क्योंकि गलती क्या होती है, आप समझोगे मेरी से बात तो कर नहीं रहे क्योंकि आप काफी देर से हाथ खड़े कर रहे। अब आप बताओ मैं कैसे हेल्प कर सकता हूँ, बताओ। सर मैं, मेरे बेटे का नंबर है, मैं आज पहली बार जुड़ी हूँ, मेरे बेटे का D1 है, C7 है और कुआ नंबर भी 7 है। ठीक है, तो इसका बताइए, कैरियर में जॉब करता है उसमें भी साल दो साल में थोड़ा उठ जाएगा। पहली बात तो बेटा जो बना है वो बिजनेस के लिए बना है, वो जॉब के लिए बना नहीं। अच्छा जी, इसको बिजनेस की, ड्राइवर 1 कंडक्टर 7 जो है वो इन द एंड जाके अपना बिजनेस ही करेगा। कुआ नंबर भी 7 है। ठीक है, कुआ नंबर हाथ पे लिखवाओ, ब्लैक और डार्क ब्लू कपड़े बिल्कुल बंद करवा दो पहली चीज। सर वो ना बिजनेस इंश्योरेंस का करता है, इंश्योरेंस वगैरह का, उसमें भी कामयाबी नहीं है इसको। नहीं है मैडम, नहीं है, इंश्योरेंस की लाइन में बहुत धक्के हैं, बहुत मेहनत है, जल्दी से रिजल्ट नहीं आता। एक तो उसको बोलो डॉग्स की सेवा करे, सबसे पहले उसको बोलो डॉग्स की सेवा करे। अच्छा जी, और बिजनेस स्पॉन्सर लगेगा उसको, उसके लिए खाने पीने काम अच्छा है, स्कूल स्टेशनरी काम अच्छा है, अगर कोई एजुकेशन से जुड़ता है वो अच्छा है, आईटी का काम उसके लिए अच्छा है। देखो लिस्ट बहुत सारी है, सारी बात ये है कि बेटे को क्या आता है पहले वो समझना पड़ेगा। उसके साथ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की थी, उसकी जॉब तो उसको मिली नहीं। जी जी, कोई बात नहीं, उसको बोलो अपना एंजल नंबर लिखना स्टार्ट करे, उसके अंदर भी उसको जॉब मिल जाएगी। अच्छा जी, और बेटी का, हताश होने वाली कोई बात नहीं, एक अच्छी डेट ऑफ बर्थ है आपके बेटे की। और बेटी का है D4 है, C1 है, तो उसका कुआ नंबर 2 है। क्या उसको कुआ नंबर 2 लिखवाओ, D4 है और C7 है, C1 बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है। बिटिया को भी बोलो कि ब्लैक और डार्क ब्लू कपड़ों से दूर रहेगी, जितना हो सके व्हाइट पहने, येलो पहने, ग्रीन पहने, ये उसके लिए ब्लेसिंग्स कलर है सारे के सारे। जॉब में आगे जाएगी, बिजनेस करेगी, जॉब में अच्छी करेगी, लेकिन एक उम्र के बाद समझ लो 42 या 45 के बाद ये अपना बिजनेस करेगी। इसको बोलो कि कुछ भी ऐसा काम जो वुमेन एक्सेसरीज से रिलेटेड हो, जैसे बुटीक वगैरह, वो खुलवा दो, बहुत तरक्की करेगी। सिविल इंजीनियरिंग है, अभी तो जॉब कर रही है, कनाडा में सेटल है। हाँ तो बस ठीक है, फिर तो उसके साथ साथ अगर चाहे तो वो उस काम को जोड़ सकती है। इंश्योरेंस का कर सकती है, इंश्योरेंस का कर सकती है, 4 नंबर है, कर सकती है। इसके एक मकान लेना चाहती है, ये कब तक आ जाएगा मकान अपना? प्रॉपर मैम वर्किंग करनी पड़ेगी उसके लिए पर्सनल ईयर पे, तभी समझ में आ पाएगा। ठीक है सर, मैं सीख सकती हूँ? बिल्कुल मैम आप सीख सकते हो, ये ऐसी विद्या है, आप भी आपका बेटा भी दोनों चाहो सीख सकते हो। इसके लिए सिर्फ इस चीज के साथ जुड़ो और देखो कितनी अच्छी ब्लेसिंग आ सकती है। अरुण कुमार जी, जय गुरु जी। जय गुरु सर। जी गुरु जी। सर सर मेरा जो है ड्राइवर 5 है और कंडक्टर मोबाइल 6 पे आता है। ड्राइवर 5 है और ड्राइवर 5 है, कंडक्टर नहीं बताया आपने, कंडक्टर 3 है सर। अच्छा, ड्राइवर 5 है, कंडक्टर 3 है, मोबाइल नंबर 6 पे आता है। हाँ जी। और नेम भी 6 पे आता है, 9 है। देखो 6 आपका दुश्मन है,
कोशिश करो सिक्स को अवॉइड करो, लाइफ में वाइट कपड़ों को अलाउड करो, जितना इनको अवॉइड करोगे उतना आपके लिए ब्लेसिंग्स आएगी, पहली चीज। दूसरी चीज, कोशिश ये करो कि जितना हो सके थर्सडे के थर्सडे गरीब लोगों को कुछ येलो स्वीट्स बांटो शाम को 5 बजे के बाद। सर मैं एक्टिव लाइफ में था लास्ट ईयर तक, तो अब कोरोना की वजह से अब नहीं हूँ, तो अब फिर से मैं एक्टिव लाइफ में हो सकता हूँ। वैसे तो मैं रिटायर आदमी हूँ पर आई वाज एक्टिव, तो अब मैं फिर से एक्टिव लाइफ में आ सकता हूँ? बिल्कुल आ सकते हो सर, वेयर देयर इज विल देयर इज वे। अच्छा सर, आपके लिए भगवान ने बहुत अच्छी डेट ऑफ बर्थ दी अरुण कुमार जी, जितना आप चाहो इस लाइफ में पैसा यश कमा सकते हो, आपकी डेट ऑफ बर्थ नो डाउट बहुत अच्छी है। पर सर मेरा ये 14 है नंबर, तो इसके लिए क्या उपाय करना चाहिए? गाय की सेवा सर, जितनी हो सके गाय की सेवा करो आप। चलिए जी दर्शन भाई बताओ क्या कह रहे हो। नमस्ते सर, जय गुरु जी सर। जी दर्शन भाई, जय गुरु जी सर। मेरा ड्राइवर नंबर 4 है सर। ठीक है। कंडक्टर नंबर 6 है। डेट ऑफ बर्थ इज 4 जनवरी 1999 सर। ठीक है। एंड सर आपके हिसाब से मैंने अभी एंजल नंबर निकाला तो 1 आ रही है सर। ठीक है, 1 को हाथ में लिखो बेटा ग्रीन पेन से जितना हो सके। ओके सर जी। सर मेरा क्वेश्चन ये है सर कि जैसे सर मैं अभी बीएससी थर्ड ईयर में हूँ फिजिकल एजुकेशन स्पोर्ट्स में, और सर पापा की मेरी हार्डवेयर की बिजनेस है। अब सर घर वाले चाहते हैं कि मैं बिजनेस करूँ, लेकिन अभी सर मेरी माइंड कंडीशन सर स्टेबल नहीं है। मैं चाहता हूँ कि सर अभी घर से दूर रह रहा हूँ दिल्ली में, घर है सर आसाम में है सर। सर मैं बस यही चाहता हूँ मैं करियर आई मीन सर स्पोर्ट्स में आगे करूँ या पापा के साथ बिजनेस में सेटल हो जाऊँ सर। पापा के साथ बिजनेस में तेरे को एक दिन आना पड़ेगा। अगर तू अपनी लाइफ में सक्सेस स्टोरी चाहता है तो जितना जल्दी बिजनेस से जुड़ सकता है जुड़ जा। पहले ये स्टडी को खत्म कर, एक डिग्री अपने नाम ले और पापा के साथ बिजनेस में जुड़ जा। बट स्टिल यू फील कि नहीं यार देखो मैं तो कुछ जॉब में ही करना चाहता हूँ। तेरी डेट ऑफ बर्थ एक ऐसी है जो तेरे को कैनेडा तक लेके जा सकती है, अब्रॉड लेके जा सकती है। अब ये तेरी चॉइस, फाइनली तेरी चॉइस पे डिपेंड करेगा क्या करना चाहता है, कनाडा जाना चाहता है, यूएस जाना चाहता है। क्योंकि देख पैसा तो फिर तेरे घर वालों को लगाना है, बट उनके भी अपने कुछ ख्वाब हैं। ऑल डिपेंड अपॉन यू कि तू लाइफ में क्या चाहता है। बट अभी जो एम है वो सिर्फ एक चीज का है, पहले इस एग्जाम को क्लियर कर, बाकी सब बातें सेकेंडरी। एक बार इस डिग्री को ले ले, अपने पास लिया, फिर आगे दिखेंगे उसके बाद क्या करना। एंड सर जैसे सर मुझे जैसे नंबर मेरी 1999 है सर, कई बार आई थिंक 9 है सर, तो सर मुझे दूसरों की हेल्प करना, कुत्तों की सेवा करना, जैसे मैं हमने यस सर हमने सर जैसे आसाम पे छोटी सी एनजीओ भी लास्ट ईयर कोरोना के टाइम पे ओपन करा, जो सारे एनिमल्स को सर हम देखभाल करते खाना ऑपरेशन ये सर। तो सर मैं ये भी चाहता हूँ कहीं ना कहीं एक लाइफ में एक एनजीओ टाइप का मैं खोल पाऊँ सर, तो विल दैट बी खोलेगा बेटा? डेफिनेटली खोलेगा। पहले मैं वही कर रहा हूँ, पहले एम लेके चल कि सबसे पहले ये एग्जाम क्लियर करना है, सबसे पहले इस एग्जाम को क्लियर कर, बाकी सब सेकेंडरी है, वो सब बैठ के उसके बाद डिस्कशन हो जाएगा। कोई मुश्किल काम नहीं है। जब भी आप पढ़ाई करो कोशिश ये करो आपका फेस नॉर्थ की तरफ हो और पीठ साउथ की तरफ। ठीक है, ऑल द बेस्ट बेटा, ऑल द बेस्ट। जी सुधा मैम, आपसे बात नहीं हुई। जय गुरु जी सर। जय गुरु जी मैम। ठीक है, ठीक है राहुल। हेलो जी सुधा मैम, बताओ। सर मेरे ड्राइवर है 1 और कंडक्टर है 7। ओके सर, मेरा नेम आता है 3-1 के 4 पे। 4 पे गलत है एकदम। किस पे लेके आना है सर? 32 के 5 पे ले जाओ। 32 के 5 पे जी। ओके, और सर मोबाइल नंबर 6 पे। मोबाइल 6 पे जी। सर मेरी ग्रिड में 2-4-8 नहीं आना चाहिए जी सर। जी। सर ग्रिड में सिंगल 9 है और 4 times 1 है और डबल 7 है और 6 है। ठीक है, मोबाइल को 6 पे ले जाओ, उससे आपका बिजनेस बढ़ जाएगा। अभी हाउसवाइफ हो आप या कुछ करते हो आप? सर नेटवर्क मार्केटिंग में हूँ मैं। कौन सी कंपनी? वेस्टीज। रेकी चैनल भी हूँ। ठीक है, तो यही कह रहा हूँ कि जितना आप हीलिंग के साथ जुड़ोगे उतना अच्छा है। एस्ट्रोलॉजी, रेकी, हीलिंग, जितना इस चीज के जुड़ोगे, क्योंकि आपका कंडक्टर 7 है, ये आपको इस काम में बहुत तरक्की देगा।
सर ये 77 में आ जाता है। अच्छी बात है ना, वही तो कह रहा हूँ, मैं खुद 77 वाला आपके सामने बैठा हूँ, पिछले 10 साल से इस विद्या के साथ जुड़ा हूँ और आशीर्वाद पे आशीर्वाद मिल रहे हैं। मेरे पास आज की डेट में फुर्सत नहीं है मैडम कि मैं कंसल्टेंसी दूं। दुनिया पैसे भेज देती है, वही कह रहा हूँ कि दुनिया पैसे भेज देती है, मैं कंसल्टेशन देना नहीं चाहता। मैं इसलिए आगे अपनी फौज बना रहा हूँ कि आप लोग कंसल्टेंसी दो। लाइफ में सुधा मैडम इतना काम है कि फुर्सत नहीं है। मैं रोज सुबह उठता हूँ, 2-4 पेमेंटें अब्रॉड से आके अकाउंट में गिरी होती हैं। मैं क्यों इतने सस्ते रेट में सिखा रहा हूँ, पर्पस मेरा ये है कि हर घर के अंदर ये साइंस को पहुंचना चाहिए। एक बारी आप इस साइंस से जुड़ जाओगे, आपको समझ में आएगा कि कैसे इस साइंस से आप लाइफ में अपना अपने बच्चों का भला कर सकते हो। बाकी लोग जो सिखाते हैं मार्केट में, उनकी फीस जो है नॉट लेस देन 1.5 लाख है। आपको मैं लाइव पढ़ाऊंगा, मेरी सबसे बड़ी बात जो है, मैं क्लास में आके 24 दिन आपको लाइव पढ़ाऊंगा, रोज 2 घंटा पढ़ा के आपको समझाऊंगा कि कैसे इस विद्या से आप आशीर्वाद ले सकते हो। देखो एक टीचर का काम क्या है, सिर्फ समझाना पढ़ाना, हेल्प तो आपको करनी पड़ेगी। जैसे अरविंद सूद सर ने मुझे सिखाया 10 साल पहले, मैं आज भी उनका दिल से तहे दिल से थैंक यू बोलता हूँ। क्यों? क्योंकि उन्होंने इतनी दिल से इतनी शिद्दत से पढ़ाया कि आज वो लाइफ में इतना पैसा मिल रहा है, कुछ कहने की बात। सारी बात यह है कि आप इस साइंस से जुड़ो और देखोगे कितने आशीर्वाद हैं। मतलब आशीर्वाद तब आएंगे जब उनके काम बनेंगे, पहले तो पैसा आ रहा है, पैसे के बाद आशीर्वाद आ रहे हैं। जी सर, इससे मेरी रेमेडीज क्या करनी चाहिए मुझे? आपको डॉग्स की सेवा करनी चाहिए, काओ को आलू खिलाना है, और जितना हो सके थर्सडे के थर्सडे गरीब बच्चों को येलो स्वीट्स और फ्राइडे को खीर। सर, आपके बिजनेस में फर्क पड़ जाएगा। हाँ जी, ओके सर, वो न्यूरोलॉजी में ही आना चाहती हूँ मैं। आओ ना मैडम, आओ ना, कह तो रहा हूँ, मोस्ट मोस्ट वेलकम, आपका बहुत स्वागत है। 3 तारीख से आओ और कोर्स को ज्वाइन करो। जी सर, सर हस्बैंड का ड्राइवर है और कंडक्टर वन है जी, तो इनका नेम आता है 3 पे। गलत है, सीधा नेम 5 पे या 1 पे जाना पड़ेगा। 5 या 1 जी हाँ। और इनकी रेमेडीज में सर इनका 9555 और 4 times 1 है सर। जी जी, अच्छी बात है, 4x1 है। ऐसे लोग लाइफ में बहुत तरक्की करते हैं जिनका 4 या 4 से ज्यादा 1 होता है। आपने इनको बस यही बोलना है कि ब्लैक और डार्क ब्लू कपड़े ना पहने, उतना ही इससे फायदा पहुंचेगा। इनका मोबाइल नंबर जो है 6 पे ले आओ ताकि इनकी कम्युनिकेशन अच्छा हो जाए 4x1 के कारण। जी सुषमा मैम, थैंक यू सर। जय गुरु जी सर। जय गुरु जी सुषमा मैम। सर मेरा डेट ऑफ बर्थ है 1/1/1978। ओके जी। और सर मेरा ड्राइवर नंबर 1, कंडक्टर नंबर 9 और एंजल नंबर 2 है। ठीक है। और सर मिसिंग नंबर 3, 4, 5, 6। ओके जी। सर मेरे को मनी प्रॉब्लम हो रही है बहुत, और सर बैंक से लोन लिया हुआ है तो EMI पेमेंट भी 2 महीने से नहीं हो पा रहा है। जी मैम। इतनी प्रॉब्लम के कारण, क्योंकि पार्टियों से पेमेंट नहीं आ रहा है सर। जी मैम। और सर मैं जो रहती हूँ अभी जिस फ्लैट में, तो सर मेरे को सेल करना है, तो सर वो सेल भी नहीं हो पा रहा है, काफी पार्टी देकर जाती है, सबको पसंद आता है, जी, सेल नहीं हो पा रहा है, फाइनल नहीं हो पा रहा है सर। उसके लिए आपको एक टूल मंगाना पड़ेगा, विश पिरामिड और पायरा फायर, ये दोनों ही आपको टूल यूज करने पड़ेंगे और आप देखोगे कैसे आपका फ्लैट सेल हो जाता है। इन्हीं दोनों के कारण आपके अपनी इनकम के सोर्सेज भी बढ़ जाएंगे। फायरा फायर जो है वो रोज सुबह आपको करना है, उसमें कपूर जलाई करना है, और विश पिरामिड में आपने फिश रख के रख देनी है। इसके साथ साथ कोशिश ये करो कि जितना हो सके अपनी लाइफ में 3 दफा रोज सुबह राम स्तुति और रात को सोने से पहले हनुमान चालीसा, और उनको बोलो कि मेरे लोन्स जो हैं आप चुकता करवाओ। जितना आप हनुमान चालीसा पढ़ोगे उतना आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स कम होती जाएगी। ओके सर। और सर मेरा मोबाइल नंबर 5 है और ये अपना गाड़ी नंबर 8 है। ठीक है सर। आपके मोबाइल नंबर में 248 आता है सर? 2 आता है। गलत है मैडम, चेंज करिए मैम, चेंज करिए। ओके। और सर मेरी डॉटर है, उसका बर्थ ऑफ डेट है 18/11/2003 जी। उसका ड्राइवर नंबर 9, कंडक्टर नंबर 7 और एंजल नंबर 9 है सर।
एंजल नंबर लिखवाओ उसके हाथ पे। और सर उसका मिसिंग नंबर 456 है जी, तो उसके लिए उसे ब्रासलेट पहना दो ग्रीन एवेंचुरिन और सेलेनाइट का, तीनों नंबरों का उसका कमी पूरी हो जाएगी। और सर वो आगे साइंस ले रखी है सर, आगे डॉक्टरी लाइन में जाना चाहती है। बिल्कुल जा सकती है, बहुत बहुत आशीर्वाद है। उसके नीम की स्पेलिंग को 5 पे ले जाओ। ओके ठीक है। अशोक जी, अशोक जी ओपन करिए। जय गुरु जी। जय गुरु जी। जय गुरु जी। जय गुरु जी सर। जय गुरु जी। आपकी आवाज क्लियर, आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही। आप एक बारी या तो अपना स्पीकर हटाओ। हेलो हेलो, मेरी मेरी की जी, आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही डियर, आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही। आप इस स्पीकर को या तो ठीक करो। हाँ जी मैडम बताइए, स्पीकर हटा दो, इनके स्पीकर की वायर हटा दो। हाँ जी, हाँ जी मैडम बोलिए। हाँ जी आवाज़ वो पाना है मेरी। नहीं अशोक जी आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही, थोड़ी देर में दोबारा बात करता हूँ आपसे। जी कविता मैम, जय गुरु जी। जय गुरु जी सर। जी जी सर। सर मेरे को मेरे लिए पूछना था, मेरी डेट ऑफ बर्थ है 31st October 1977। ठीक है। मेरा मूलांक 4 है, भाग्यांक 2 है। ओके अच्छा। हाँ। अच्छा कॉम्बिनेशन नहीं है, स्ट्रगलिंग कॉम्बिनेशन है। हाँ सर बहुत स्ट्रगल होता है, कोई भी चीज रिजल्ट मिलता है बहुत हैप्पी वाला मिलता है, लेकिन बहुत मेहनत करनी पड़ती है। तब तो उस चीज की वैल्यूएशन खत्म हो जाती है ना। हाँ सर वो खुशी खत्म हो जाती है, बस वो सारी दिक्कत है 2-4-8 के साथ। जी सर। जी और मेरा जो नेमिंग टोटल है वो भी 8 पे आ रहा है सर। बिल्कुल वर्स्ट है, सीधा उसको 5 पे लेके जाओ। अच्छा बिल्कुल वर्स्ट है एकदम। ओ और मोबाइल नंबर 7 आ रहा है सर। जी 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 उसको भी आपको चेंज करना है, मोबाइल में 248 आ रहा है। हाँ 8 है सर। गलत है मैडम, बिल्कुल गलत है, मोबाइल नंबर चेंज करो, सीधा मोबाइल नंबर 1 पे या 5 पे लेके जाओ। 4 और 2 आपका कॉम्बिनेशन है, मोबाइल नंबर सीधा 1 पे या 5 पे, अपने नेम के स्पेलिंग को सीधा 5 पे। और आज के बाद कभी भी आपने ब्लैक और डार्क ब्लू कपड़े नहीं पहनने, जितना हो सके येलो वाइट ग्रे पिंक स्काई ब्लू ग्रीन इसको पहनो। अच्छा सर जी। और सर ये जैसे सर मेरे को एक चीज बड़ी समझ नहीं आती है मेरी लाइफ में, मैं बहुत हार्ड वर्किंग हूँ, ठीक है, मेरे बहुत को ज्यादा, बहुत ज्यादा जी। हाँ मैं 17-18 घंटे भी मेहनत कर लेती हूँ और मैं किसी के लिए बहुत दिल से करती हूँ, कुछ भी करना होता है तो मुझे लगता है मैं सबको एक कर दूँ, चाहे वो फैमिली हो चाहे फ्रेंड्स हो कोई भी हो, मुझे लगता है सब एक ग्रुप में आ जाए, सारे हम एक होके रहे। लेकिन जब हो जाता है काम होता है उसके बाद ना सर मेरे को आखिर मेरे को सुनना ही मिलता है, मतलब मेरे को अवॉइडनेस ही मिल जाती है सर। इसे कहते हैं कॉन्ट्रोवर्सीज होल लाइफ, नेकी कर जूते खा। जी सर मेरे को ये मिलता है बिल्कुल, और एंड में बड़ा दुख लगता है कि मैंने इतनी डॉग्स की सेवा, आज के बाद सीधा डॉग्स की सेवा, जितना हो सके डॉग्स की सेवा, जितना कोशिश करो हो सको तो साथ में फिशेज की सेवा। फिशेज की? अच्छा यस, डॉग एंड फिशेज आपकी लाइफ के वो दो ऐसे प्रोडक्ट हैं, अगर आपने इनकी सेवा कर दी आपकी पूरी लाइफ चमक सकती है। अच्छा सर। स्ट्रीट डॉग्स को जितना खाना खिलाओगे उतना लाइफ में आशीर्वाद आएगा आपके लिए। अच्छा अच्छा सर, ठीक है सर। और आपने जैसे बताया नेवी ब्लू और ब्लैक नहीं पहनना है, यही चीज मेरे बेटे के लिए भी बोला सर, लेकिन वो तो पैंट लड़का का तो चलेगा चलेगा, लोअर में कुछ भी पहनो, नाभि के नीचे का हिस्सा एम्प्योर होता है, नाभि के नीचे कुछ भी पहन सकते हो, ऊपर की बात होती है। अच्छा अपर में सिर्फ नहीं लेना है। यस यस यस। अच्छा अच्छा सर जी। राहुल भाई मैं सर लेता हूँ, अभी आप सेशन लेता हूँ, आप कंटिन्यू कीजिए, मैं भी बीच में ले रहा हूँ। ठीक है जी। विनीत पुरी जी, नमस्कार जी। जी नमस्कार नमस्कार। सर ऐसा जी कि मैं डोमिनोलॉजी के बारे में कुछ ज्यादा नहीं जानता, फर्स्ट टाइम मैंने अटेंड किया है। कोई बात नहीं सर, आई एम थैंकफुल टू यू, आप आए, आपने मुझे सुना, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ जी हाँ जी।
तो मेरा जो अपना डेट ऑफ बर्थ है 4/8/1964 है। ठीक है। मेरा हिसाब से मेरा ड्राइवर 4 बनता है और कंडक्टर 5 बनता है। कंडक्टर 5 है सर। और कुआ नंबर ने मुझे निकाला था, कुआ नंबर कैसे निकाला? लिखो 1964 लिखो पहले। जी लिख लिया जी। उसको टोटल आया 2। जी जी। 11 में से 2 गया, आया 9। आपका कुआ नंबर है 9। ठीक है जी सर, तो ऐसा जी कि मेरा जो इस टाइम है वो मेरी सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब है, मैं प्रमोशन के लिए मेरा काम रुका हुआ है। ठीक है। और प्रमोशन कब तक हो जाएगी, अच्छी रहेगी, पूरी रहेगी? अभी मैंने गजटेड ऑफिसर बनना है, इसके बाद साहब देखो उसके लिए ना प्रॉपर वर्किंग करना पड़ेगा, उसके लिए इतना थोड़ा टाइम नहीं हो सकता, क्योंकि उसके लिए प्रॉपर वर्किंग करके समझना पड़ेगा आपके सिग्नेचर पे, आपके अकाउंट नंबर पे। मेरी फीस उसके लिए 10,500 है। आपको टाइम लगे तो आप एक बार ही आए, प्रॉपर कंसल्टेशन होगी जहाँ पे आपको 1 घंटा दिया जाएगा, आपके बैठ के क्वेश्चनों को सुना जाएगा, समझा जाएगा, और उसके बाद आपको 1-to-1 करके जवाब दिया जाएगा। इस 1 मिनट के सेशन में सब चीजें निकलना बहुत मुश्किल होता है सर। जी जितना हो सके सूर्य को जल चढ़ाओ सर, सूर्य आपके मेन देव हैं, जितना सूर्य को जल चढ़ाओ, ब्लैक और डार्क ब्लू से दूर रहो। थर्सडे के थर्सडे साईं बाबा टेंपल जाओ, अपने प्रमोशन के चांसेस के लिए उनको बताओ, और इसके साथ साथ व्हाइट येलो स्वीट्स आप थर्सडे को बांटो 9 लोगों को। चार नंबर जो लाइफ में है यही आपको गवर्नमेंट जॉब में सक्सेस भी देगा, यही आपको हर्डल्स भी देता है, कंट्रोवर्सी भी देता है। इसके लिए एक ही उपाय है, जितना हो सके खाटू श्याम जी की सेवा करो या स्ट्रीट डॉग्स की सेवा करो। महीने में आपको एक बारी जयपुर के पास मंदिर है खाटू भगवान का, जरूर जाना चाहिए। सर वही करो, प्रॉपर वर्किंग करनी पड़ेगी, उसके बिना कोई फायदा नहीं है पूरी साहब। थैंक यू जी। कपूर साहब जय गुरु जी। जय गुरु जी सर। जय गुरु जी। हाँ जी सर, मेरी डेट ऑफ बर्थ था 16/6/1967, ड्राइवर नंबर बनता 7 और कंडक्टर 9। यस सर। हाँ जी सर, तो अभी आपने कॉम्बिनेशन है, एक स्ट्रगलिंग कॉम्बिनेशन है, हेल्थ इश्यूज कुछ आपको गले से लेके पेट तक? सर बीच में एक बार शुगर हुई थी, वो 2-3 महीने में ठीक हो गई। चलो अच्छी बात है, अपना ख्याल रखो कपूर साहब। अभी ना सर मैं एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ, फाइनेंशियल लेवल पे स्ट्रगल कर रहा हूँ 2 साल से। ठीक है जी। ठीक है, फाइनेंस में प्रॉब्लम आ रही है, कोई इनकम वगैरह लगभग ना के बराबर समझो। ठीक है, अभी क्या करते हो आप? मैं अभी लोन्स लाइन में काम करता हूँ। ठीक है। ठीक है, मेरा मतलब 2 साल से कुछ नहीं है, मैं फाइनेंशियल लाइन में काम करता रहा। आपकी तरह मैंने इंश्योरेंस लाइन में भी काम किया 8 साल, उसके बाद मैं लोन वाली लाइन में आ गया, वो भी मेरा 2 साल ठीक चला, अब 2 साल से ये प्रॉब्लम आ रही है मेरे को। जी जी जी। देखो मेन चीज क्या है कि जितना हो सके आप हनुमान जी की शरण में जाओ। अच्छा जी। जितना हो सके ट्यूसडे के ट्यूसडे आपने कम से कम 12 केले बंदरों को खिलाने हैं। 12 केले बंदरों को? हाँ जी। दिल्ली में रहते हो, कहाँ रहते हो आप? चंडीगढ़ रहता हूँ सर। बंदर मिल जाएंगे सर? हाँ मिल जाते हैं जी, मिल जाते हैं जी। हाँ, ट्यूसडे के ट्यूसडे ये उपाय करना स्टार्ट कर दो। और नॉन वेज तो नहीं खाते आप? खाता हूँ जी। बस बंद कर दो सर, यही मेन कॉज है। अच्छा जी, लेकिन मेरे को किसी ने बताया था आप ट्यूसडे सैटरडे ना खाना, तो वो आपने खाना ही नहीं है सर, आपने खाना ही नहीं है, 6 महीने छोड़ के देख लो, आपको समझ में आ जाएगा कैसे भी तरक्की के रास्ते। 6 महीने तो सर वैसे ही हो गए, खत्म ही खाए हुए। बस आगे भी 6 महीने मत खाओ सर। दूसरा ये फोन नंबर का, मेरे 1 का टोटल 8 आता है, 1 का 4 आता। जी जी, दोनों ही गलत है सर। सीधा मोबाइल नंबर 5, 5 का या 1 का लेके आना, जिसमें 2, 4, 8 ना आता हो। ठीक है सर। और क्या कहते हैं, मेरे को जॉब में रहना चाहिए बिजनेस में? करोगे आप बिजनेस ही? हाँ जी। आपका मन हमेशा विचलित रहेगा। हाँ जी सर। कह रहा हूँ कि सिर्फ हनुमान जी की सेवा करो और चींटियों को कल से आटा डालना स्टार्ट कर दो। 1 किलो आटा 1/2 किलो बूरा मिक्स करके रोज, 1 किलो आटा 1/2 किलो चीनी का बूरा दोनों मिक्स करके, हाँ जी, रोज 100 ग्राम या 70 ग्राम या 80 ग्राम जो मुट्ठी में आ जाए वो आपने चींटियों को डाल। एक मुट्ठी चींटियों को जी रोज सुबह सुबह सुबह। ठीक है जी सर, एक क्वेश्चन और पूछना है बस सर, बाकी बच्चों को भी देख लो। बिल्कुल सर। सर मैं सबसे पहले ज्वाइन किया हूँ और मेरा ख्याल है लास्ट में नंबर आया,
एक क्वेश्चन है वो जरूरी है, मेरी बेटी है उसकी डेट ऑफ बर्थ है 19/4/2003, उसका ड्राइवर वन बनता है कंडक्टर भी वन बनता है, ठीक है, उसे बार बार बीमार रहती है, अभी वो 13 अप्रैल से लगातार बीमार चल रही है, दवाई खाती है 2 दिन ठीक होती है फिर बुखार आ जाता है। सर उसके कमरे में ये सब लोग उपाय सुन लो जो मैंने उपाय देना था वो मैंने यही उपाय देना था, जिनको सबसे ज्यादा हेल्थ प्रॉब्लम है कमरे में आप एक नॉन स्टॉप गायत्री मंत्र का पाठ चलवा दो, नॉन स्टॉप गायत्री मंत्र के, एक मशीन मिलती है किसी भी इलेक्ट्रॉनिक्स में मिल जाती है, 300 रुपए की मशीन आती है खाली, उनके कमरे में 24 घंटे चला दो ये पहली चीज, ठीक है। और दूसरी चीज उसके ऊपर मान लो ये मशीन है, ये मशीन का मान लेते हैं स्पीकर है, हाँ जी, इसके ऊपर बिटिया की फोटोग्राफ या जो भी बीमार है उसकी फोटोग्राफ ऐसे चिपकानी है, ठीक है, ठीक है। अब इसके ऊपर टेप लगा दो ये उतरे नहीं, ठीक है, और फोटो का जो फेस है वो अपनी तरफ देख रहा हो, फोटो की पीठ नहीं फेस, हाँ जी, ठीक है, ठीक है। और इसको चलता छोड़ दो, आप देखोगे कितना बड़ा ये उपाय है, अगर किसी को कोरोना भी हो रहा है उसके अंदर भी हमने ये उपाय करा के देखा, बहुत इसके अनबिलीवेबल रिजल्ट आए हैं, और खतरा खर्चा जो है वो मात्र 300 से 500 रुपए है, बिल्कुल सर। तो जिसको भी अधिक बीमारी है यही मैं उपाय आपको देना चाहता था आज शाम को जाने से पहले, कपूर साहब ने वो यही सबका भला करवाया है कि ये उपाय हर कोई, मेरे अपने किचन में अलग चल रहा है, जहाँ मेरा ऑफिस है वहां पे अलग चल रहा है, और 24 घंटे ये मशीन चलती रहती है नॉन स्टॉप, ठीक है। जिनको भी लाइफ में लगता है राहु की प्रॉब्लम है उनके लिए ये वरदान है, गायत्री मंत्र चला के छोड़ दो और अपने किचन में लाइट जला के छोड़ दो, किचन की लाइट तो जलती रहती है हमारी, साथ में गायत्री मंत्र भी चलवा दो, ये चला देते हैं सर। थैंक यू कपूर साहब जी। हरवीर जी सर एक सेकंड में ले लेता हूं, प्लीज प्लीज सर आप बताओ। हरवीर जी सर 2 सेकंड 2 मिनट सर। सर मैं एक बार और लास्ट अनाउंसमेंट कर देता हूँ क्लास के लिए, जिसका भी जो इंटरेस्ट हो वो बता दें। जय गुरु जी क्लास, मैं राहुल आपको दोबारा से आपको स्वागत करता हूँ। मैं आपको फिर याद कराना चाहता हूँ कि संदीप सर का नया बैच 3 तारीख और 7 तारीख को चालू होने वाला है, जो 3 से 5 और शाम को 7:30 से 9:30 का बेस्ट टाइम है। इसके अंदर आपको कंप्लीट न्यूमोलॉजी का कोर्स सिखाया जाएगा और पूरी कंप्लीट एजुकेशन दी जाएगी न्यूमरोलॉजी के बारे में, साथ में आपको 3 रिपोर्ट्स फ्री दी जाएंगी जिसके अंदर आपकी कंप्लीट लाइफ टाइम का रिपोर्ट होगा, आपको कैसे एनालाइज करना है क्या होगा वो सारा कुछ इसके अंदर डिटेल के साथ होगा। इसका टोटल फीस है 12,345 रुपए प्लस GST 18% टोटल आ रहा है 14,500 रुपए 1,4,5,6,7। पेमेंट ऑप्शन सारे अवेलेबल है, EMI ऑप्शन भी अवेलेबल है, आप यही भी हम लोगों से कनेक्ट कर सकते हैं। सर आपका नंबर प्लीज एक बार 9911736555 सर को आप कनेक्ट कर सकते हैं कोर्स के लिए, कोर्स के बारे में कुछ भी जानकारी चाहते हैं तो आप कनेक्ट कर सकते हैं। EMI के लिए आप मुझे डायरेक्ट फोन कर सकते हैं, मेरा नंबर है 7715930333। इस विद्या के कई चीजों ने अभी एक सर मैं आपको याद करा देता हूँ, अभी इसी वेबिनार में सर ने कईयों को बताया होगा कि ये कॉम्बिनेशन है, सर ने बोला कि आपको यहाँ पे हेल्थ इशू आ रहा है, आपके किसी के लेग्स में इशू आ रहा था, किसी के पेट में इशू आ रहा था, ये कोई चमत्कार नहीं, ये साइंस का कमाल है, ये साइंस है, सर ने ये सब साइंस से ही बता रहे हैं, तो ये साइंस आप भी सीख सकते हो, आप भी बता सकते हो और आप उस चीज को सॉल्व भी कर सकते हो। जी रेमेडीज सर आपको बता रहे हैं ये प्रॉपरली वो कोर्स में आपको सिखाई जाएगी, पूरी तरीके से आपको प्रिडिक्शन और रेमेडीज पूरा कंप्लीट आपको कराया जाएगा। तो जो भी बंधु इंटरेस्टेड हो प्लीज कनेक्ट कीजिए, एक सफल न्यूरोलॉजिस्ट बनाया जाएगा ताकि आप इस विद्या से जुड़ के अपना सबसे पहले अपना भला, बाकी सब दुनिया को छोड़ दो, ऐसी अगर वो साइंस जो मेरा भला नहीं कर सकती क्या फायदा ऐसी साइंस का, तो सबसे पहले अपना भला और जब अपना भला हो जाए फिर दुनिया का भला। बिल्कुल सर जी, तो ये जितनी भी आप रेमेडीज सुन रहे हो या उपाय सुन रहे हो सर से, ये सब आपकी डेट ऑफ बर्थ में ही है, बिल्कुल वहीं से निकाल रहे हैं सर जी। कोई एक्स्ट्रा कोई सर कोई जादू नहीं कर रहे हैं, कोई कुछ नहीं है,
कोई उनको सिद्धि या विद्या प्राणी सब गुरु जी की ब्लेसिंग्स है और ये न्यूमोलॉजी की ब्लेसिंग है जो उनको आपके पास या आपकी कंसल्टेशन आपको करके दे रहे हैं और उनसे कितने हजारों लोगों को फायदा हुआ ये आप लोग खुद जानते हैं, यूट्यूब चैनल से आप देखते हैं, पुराने वेबिनार में भी देखेंगे और इस वेबिनार में भी ऐसे बहुत से लोग बैठे होंगे जिन्होंने तीसरी चौथी पांचवी बार ज्वाइन कर रहे होंगे, जिन्होंने सर के उपाय किए होंगे और उनको फायदा मिला होगा। तो जो भी इंटरेस्टेड हो प्लीज कनेक्ट करें और जो भी होगा आपको इसके अंदर सर्टिफिकेट, आपको कोर्स की रिकॉर्डिंग, वीडियो क्लास की रिकॉर्डिंग और स्टडी मटेरियल पूरा दिया जाएगा और सर खुद लाइव पढ़ाते हैं 2 घंटे रोज मंडे टू फ्राइडे 24 डेज का ये कोर्स रहेगा। जय गुरु जी सर। जय गुरु जी डियर। जय गुरु जी प्लस जी। थैंक यू डियर जी। हरवीर जी बताइए। जय गुरु जी। जय गुरु जी। सर माय ड्राइवर है 6 एंड कंडक्टर है 5 एंड कुआ नंबर है 7। ठीक है डियर। ड्राइवर आपका 6 है, कंडक्टर आपका 5 है, कुआ नंबर आपका 7 है। ओके जी सर। जी सर मेरा मोबाइल नंबर है 6 पर आता है पर उसमें 8 ज्यादा है, 3 times 8। बिल्कुल छोड़ दो डियर, बिल्कुल छोड़ दो। लाइफ में दुश्मनों को लेके चलोगे तो तकलीफ ही आएगी, दोस्तों को लेके चलोगे तो फायदा होगा। नो डाउट आपकी डेट ऑफ बर्थ बहुत अच्छी है, आपको मोबाइल में 248 नहीं आना चाहिए। 248 ठीक है जी। जी जी सर इसका बनता है 6 बनता है वैसे मोबाइल का टोटल। डियर आपके 8 आ रहे हैं तो 8 का मतलब भी बेड़ा गर्क है। जी ओके सर। जी सर नंबर इनकमिंग के लिए रख लें। हाँ इस नंबर को इनकमिंग के लिए रख लो बिल्कुल। जी सर एंड सर बिजनेस में ग्रोथ के लिए क्या कर सकता हूँ? ग्रोथ के लिए उपाय करो, बिल्कुल उपाय करो। आपको येलो कलर नहीं पहनना, येलो कलर आपका दुश्मन है। जितना हो सके गाय की सेवा करो, रोज गाय को 1 किलो आलू खिलाओ ताकि आपकी लाइफ में वो अपॉर्चुनिटीज आए। जितना हो सके चींटियों को आटा डालो ताकि वो आपकी प्रॉब्लम को दूर कर सके। और सर मेरी वाइफ का ड्राइवर है 3 है जी एंड उसका कंडक्टर 9 है, कुआ 5 है। ठीक है तो कितना ज्ञानी है जी सर, कितना ज्ञान देती है आपको? ज्ञान तो बहुत देती है सर। मेरा सेकंड ड्राइवर उसका 3 है। बस यही चक्कर है बस। रोज सुबह उसके पैरों को हाथ लगा लिया करो, प्रॉब्लम दूर हो जाएगी। अरे खुश रखो, इतनी अच्छी बीवी मिली है, रोज नहीं मिलती, खुश रखो उसको। भाभी को बोलो कि थर्सडे के थर्सडे 9 पीस येलो स्वीट्स के बांटे, बहुत अच्छी सोल है। वीरवार 9 येलो स्वीट्स गरीब बच्चों को। 9 येलो स्वीट्स ठीक है। सर और मेरा बेटा है उसका ड्राइवर। अब बस कर मेरे भाई, बाकी दुनिया की भी बात कर लेने दे। सर सर प्लीज एक कर बता दीजिए, कर लेंगे फिर कर लेंगे पर हाँ, कल फिर ओके ओके थैंक यू वेरी मच जी। कुमित मैम, कुमित वर्मा जी। यस यस सर, आप सुन पा रहे, आप हमको सुन पा रहे हैं? लाउड एंड क्लियर मैम, लाउड एंड क्लियर। ओके सर, मेरे सन इन लॉ का डेट ऑफ बर्थ है 14/1/1986। ओके जी, बहुत अच्छी डेट ऑफ बर्थ है। और उनका ड्राइव नंबर है 5 एंड कंडक्टर नंबर उनका 3 है। ठीक है। और तो सर उनके लाइफ में बहुत प्रॉब्लम आ रहा है। नॉनवेज तो नहीं खाते? नॉनवेज तो नहीं खाते, पहले ये बताओ। सर वो तो खाते हैं। बस मैडम यही प्रॉब्लम है, जहाँ पे 3 और 9 आ जाएगा ऐसा बच्चा अगर नॉनवेज खाएगा तो उसकी लाइफ में अननेसेसरी हर्डल जाएंगे। हरवीर भाई अगर तेरी वाइफ भी नॉनवेज खाती है तो बंद करवा दियो। कुमत मैम सबसे पहले तो नॉनवेज बंद करवाओ, थर्सडे के थर्सडे गरीब बच्चों को स्वीट्स खिलवाओ कम से कम 9 पीस और उनको बोलो कि जितना हो सके गाय की सेवा करें। जितना गाय की सेवा करेंगे भाई साहब उतना लाइफ में तरक्की आएगा। मैं पिछले 10 साल से मैं भूखा सो जाऊं कुमुद मैम, मेरे हाथ से गाय भूखी नहीं सोनी चाहिए। मैंने अपने आलू वाला फिक्स कर रखा है, उसको मैं रोज के 20 रुपए देता हूँ, 20 रुपए के करीब करीब रोज 1 किलो आलू आते हैं और उसका फर्ज यह है कि उसको रोज डालना है। अगर मैं ना पहुंचू तो जी
क्लियर? हाँ सर, तो मैं ये पूछ रही थी कि नॉन वेज क्या लाइफ लॉन्ग के लिए बंद करते हैं? लाइफ लॉन्ग मैडम, लाइफ लॉन्ग सोचना ही नहीं है, उनके लिए वर्जित है। अच्छा जी जी। अमिता मैम। हेलो सर। जय मैम, जय गुरु जी। जय गुरु जी। सर मेरा जो बेसिक नंबर है वो 5 है और डेस्टिनी नंबर 1 है। ठीक है। मेरा जो नेम नंबर आता है प्रॉब्लम यहाँ 9 आता है। गलत है मैडम, सीधा 6 पे ले जाओ। सर अमिता शर्मा से 9 ही आता है मेरा। मैडम फिर हमारे ऑफिस फोन करो, वो आपको बताएंगे फीस लेके कि कैसे इसको ठीक करना है। आपकी डेट ऑफ बर्थ के लिए। सर पहले मेरा अमिता भारतवर्ष था तो 6 पे था, तो प्रोफेशनल लाइफ बहुत अच्छी थी। मेरा सरनेम चेंज हुआ, तब से समझ जाइए घर ही बैठी। बस मैम यही समझा रहा हूँ ना कि इसी को तो चेंज करना है। मैं भी जब तक संदीप अकेला था विदाउट डी, मेरी लाइफ में तकलीफ थी। जब से मैंने डबल डी करा है, 2.25 लाख बार लिख चुका हूँ, उसी की ब्लेसिंग्स आ रही है। मैडम डॉक्टर तो दवाई दे सकता है ना, खाना या ना खाना तो हमारे हाथ में है। सर मेरा फोन नंबर का भी सेम ही है कि इसका टोटल 4 आता है। बिल्कुल वर्स्ट है। अभिषेक जी का नंबर दे दूंगा, लिख लो सारे, नहीं तो जिसको मोबाइल नंबर लेना लिखो आप, अभिषेक जी का नंबर लिखो आप। अभिषेक जी को मेरा नाम ले दीजिएगा, वो समझ जाएंगे। लिखो 9 3 7 1 3 7 1 3 7 7 55 55। अभिषेक जी को फोन करें, आपको जो भी मोबाइल नंबर हो दिलवा देंगे। 9 3 7 1 3 7 55 55 अभिषेक। सर नोट कर लिया। सर एक चीज और पूछनी थी, मैं किस प्रोफेशन में जा सकती हूँ, कुछ करना है आगे लाइफ में? देखो डेट ऑफ बर्थ आपकी अच्छी है, सारी स्टोरी ये आती है आपके ड्राइवर और कंडक्टर के हिसाब से ही सारा स्पोर्ट देखना पड़ेगा। पहले रेमेडीज से जुड़ो, उसके बाद इसको देखते हैं पर्सनल ईयर क्या चल रहा है, फिर उसके बाद आपको कहीं ना कहीं पे काम के बारे में फोकस करेंगे। या तो पहले आप इस कोर्स को सीख लो, आपको समझ में आ जाएगा, नहीं तो फिर एक पर्सन कंसल्टेशन लो, वहां से वो क्लैरिटी आ जाएगी। अच्छा मेरे डॉक्टर के बारे में मुझे पूछना था। बस मैम थोड़ा मैं और बच्चों को देखना अभी। सर, बहुत शॉर्ट पूछूंगी आपसे, ज्यादा नहीं उसका, क्योंकि बताओ 31 जनवरी 2014 का बॉर्न है, उसका बेसिक नंबर 4 है, डेस्टिनी 3 आती है और नेक्स्ट नंबर इसका 6 आता है। अभी प्रॉब्लम ये है कि ये अपनी स्टडी पे फोकस नहीं कर रही, लॉन्ग टाइम से मैं नोटिस कर रही, पहले ये बहुत अच्छी थी पढ़ती। उसकी नेम की स्पेलिंग को पहले 5 पे लेके जाओ और कोशिश करो जब वो बैठ के पढ़ाई करती है तो उसका फेस ईस्ट की तरफ हो और उसके राइट हैंड साइड पे एक छोटे से गणेशा, एक अंगूठे के बराबर के गणेशा रख दो और येलो आसन उसके ऊपर बुक्स रखो और साथ में एक विश पिरामिड मंगवा लो हमारे ऑफिस से, पढ़ाई के लिए फर्क आपको दिखाई दे जाएगा। जी गीतांजलि मैम। संदीप सर एक सेकंड मुझे एक मौका जी। जी डियर भारद्वाज मैम को अनम्यूट कीजिए जो अभी थे। भारद्वाज मैम अभी जो मैम थे आपके साथ। जी जी कर दिया जी। अमिता मैम आप अनम्यूट हो, बात कर सकते हैं हमें? हाँ जी सर, हाँ जी। मैम अपना एक बार ये जो क्वेश्चन जो आपने अभी प्रॉब्लम बताई थी प्लीज एक बार दोहराएंगे, वो क्या हुआ था? सर एक्चुअली मैं पहले गवर्नमेंट जॉब में थी, बट आफ्टर आपका पूरा नाम क्या था पहले? पहले अमिता भारद्वाज था। ओके, एंड इट्स ऑलवेज, आपकी प्रोफेशनल लाइफ कैसी चल रही थी? बहुत अच्छी, स्मूथली चल रही थी। मैंने काफी हायर स्टडीज भी की, सब किया, बहुत अच्छी लाइफ थी। बट आफ्टर मैरिज मेरा सरनेम चेंज हुआ ना, तब से मेरी लाइफ में प्रॉब्लम स्टार्ट हुई। और देखो जब इन्होंने इसको चेंज किया तो ये 27 का 9 आ गया। Right, sir. ये ऐसा नहीं है कि हम जानबूझ के सबके नेम चेंज करे जा रहे हैं कि हमें पैसे मिल रहे हैं, इसको ऐसे कर दो, इसको ऐसे कर दो, ना। सर मैं एक चीज और पूछना चाह रही थी कि आप ना तो मार्कशीट में नंबर चेंज हो सकता है, आपके जो सब कुछ हो सकता है मैम, सब पैन कार्ड है आपका, सब कुछ सकता है मैडम। 11,000 पे लेंगे, मैं आपको अपने चार्टर्ड अकाउंटेंट से मिलवा दूंगा, वो गजट में भी चेंज करवा देगा।
जो इंडियन गवर्नमेंट का पेपर 6 महीने में एक बार छपता है गजट, उसमें भी चेंज हो जाएगा। बट वही कह रहा ना, आप उस साइंस से जुड़ो पहले, वो सारी बात है। और ये सही बात है सर, मेरा सरनेम चेंज होने के बाद ही मेरी लाइफ में बहुत प्रॉब्लम स्टार्ट हुई है, और वो हेल्थ भी इसके बाद ही शुरू हुआ। जी राहुल भाई, बताओ आप क्या कह रहे हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ भारद्वाज मैम को, भारद्वाज मैम के माध्यम से लोगों को ये समझाना चाह रहा था जी कि ये कुछ भी अलग नहीं है, आप ही लोगों से जो कुछ होती है वो गलतियां छोटी मोटी हो जाती है, जिसे पता नहीं पड़ रहा ये चीज करनी चाहिए ये चीज नहीं करनी चाहिए। इस साइंस से यही बेनिफिट्स है कि आपको किसी भी एस्ट्रोलॉजर वगैरह के पास जाने की कहीं भी सोचने की जरूरत नहीं रहेगी, आपका थॉट एंड माइंड क्लियर हो जाएगा कि आपको लाइफ में करना क्या है। एक छोटे से कॉन्सिडेंट से, वैसे मैं आपको बताता हूँ संदीप सर, आपको तो मालूम ही होगा जी, मेरा नाम राहुल टीसी ग्वालानी है और मेरी वाइफ का नाम पद्मा कांजानी है। उसने शादी के बाद भी उसका नाम चेंज नहीं किया कॉन्सिडेंटली, आपसे मिलने से पहले भी वो कांजानी ही थे। तो उसकी नेम की ब्लेसिंग उसको आज भी आ रही और मेरे नेम की ब्लेसिंग मेरे पास आ रही। अरे ऐश्वर्या को देख लो ना, ऐश्वर्या राय बच्चन, पहले उसका नाम था ऐश्वर्या बच्चन, उसने बाद में चेंज किया ऐश्वर्या राय बच्चन, 50 के 5 पे आ रहा है, देख लो कितना फर्क आ गया उसकी लाइफ में। बिल्कुल बिल्कुल सही है, लाइव एग्जांपल अपने को अभी मिला जो भारद्वाज मैम का था, और मैं उनको सजेस्ट भी करूंगा आप इस कोर्स से जुड़िए तो आपको और भी बेनिफिट्स मिलेंगे। देखो 10,000-10,500 रुपए मेरी फीस है, मैं उससे कहता हूँ अच्छा है कि 24 दिन बैठ के इसको पूरी डिटेल में सीख लो। मुझे सिखाने का शौक क्यों है, मैं इसलिए सिखा रहा हूँ कि ये विद्या हर घर में पहुंचे, वरना मैं तो ये समझूंगा कि मेरे कंपटीटर खड़े हो रहे हैं, मुझे टेंशन ही नहीं लेनी है। आप बच्चे सीख जाओगे, एक दिन मैंने भी ये दुनिया छोड़ के चले जाना है, सिर्फ पर्पस एक है कि ये साइंस यहाँ पे रहे। सबसे पहले तो दिल से अरविंद सूद सर को थैंक यू जिन्होंने ये साइंस सिखाई, उनका इतनी जितना उनका थैंक यू करा जाए उतना इस लाइफ में कम है, क्योंकि मैं भी आप लोगों की तरह बिल्कुल भटका हुआ इंसान था। शायद मुझे कोई कहता था ना वो एस्ट्रोलॉजर अच्छा है, तो मैं सीधा अपना बैग उठाया और सीधा उसकी दुकान पे, क्योंकि कहीं ना कहीं पे मेरे पास 777 है और सीधा यही होता था कि मेरा भाग्य कब चेंज होगा, बट वो हो ही नहीं रहा था। ये सब चीजें इसलिए मैं आपको बता रहा हूं कि हम अगर किसी चीज को सीखते हैं तो वो लाइफ लॉन्ग हमारे काम आने वाली है, उसके साथ साथ जो उसके टूल्स है वो हम यूज कर सकते हैं। जी रंजना मैम बताएं कैसे आपकी हेल्प कर सकते हैं। रंजना मैम सर, यस सर, नमस्कार सर। जी मैम, जय गुरुजी। मेरे बेटे की, जय गुरुजी सर, मेरे बेटे की डेट ऑफ बर्थ है सर 23/9/1998, उसका ड्राइवर है 5 और कंडक्टर है 7 सर। सर ड्राइवर 5 कंडक्टर 7, पहले तो ठीक था। यस सर जी। सर प्रॉब्लम ये है सर कि पहले तो उनका मन पढ़ाई में लगता था, ठीक था, अच्छा था, अभी अभी कंसंट्रेशन नहीं है, पढ़ाई नहीं कर पा रहा है सर। उसका कैरियर के बारे में सर थोड़ा सा जानना था, अफेयर चल रहा है उसका, ठीक रहे अफेयर चल रहा है उसका सर, आई डोंट पता कर लो, कोई अफेयर चल रहा है तभी वो डिस्ट्रैक्ट हुआ। 7 वालों को ये प्रॉब्लम रहती है सर। और जब भी वो पढ़ाई करे उसको बोलो कि फेस उसका हमेशा नॉर्थ की तरफ रहेगा। अभी कौन सी क्लास में है सर? वो अभी LLB कर रहा, सीए कर रहा था सर। सीए बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, LLB सीए दोनों ही इसके लिए जरूरी है। सिर्फ उसको बोलो कि फोकस होकर काम कर ले, उसको एक विश पिरामिड मंगा दो हमारे ऑफिस से और उसके 270 डिग्री पे रखो, देखो कितना उसके लिए आशीर्वाद आ जाएगा। और जब भी पढ़ाई करे उसको बोलो कि फेस हमेशा नॉर्थ की तरफ करे। सर सर विश पिरामिड कितने डिग्री? 4,000 रुपए। 4,000 रुपए सर, नहीं सर, कितने डिग्री पे उसको रखने का है? 270 डिग्री, 270 जब मंगाओगे आपको समझा देंगे कैसे उसको यूज करना है। अच्छा जी, जी सर। जी गीतांजलि मैम, रेमेडीज मैम यही है कि गाय की सेवा करवाओ, चींटियों को आटा डलवाओ और इनको बोलो जब भी पढ़ाई करें हमेशा इनका फेस जो है नॉर्थ की तरफ जाए, और वाइट कपड़े जो हैं वो एग्जाम देते वक्त ना दे, येलो कपड़े दे। जी गीतांजलि मैम। जय गुरु जी सर। जय गुरु जी। मेरा ड्राइवर नंबर है 2, ड्राइवर नंबर 2, कंडक्टर नंबर 3 एंड मोबाइल नंबर 3। ठीक है सर, हमारी शादी होके 6 इयर्स हो रहे हैं लेकिन हमको संतान प्राप्त नहीं हो रहा है।
ठीक है, तो इसके लिए कुछ नहीं। ड्राइवर कितना आपका? टू टू हाँ ड्राइवर टू, कंडक्टर नाइन है, कंडक्टर वन है। और भाई साहब का क्या है? ड्राइवर कंडक्टर नाइन है, कंडक्टर नाइन है सर। भाई साहब का ड्राइवर कंडक्टर कितना है? कंडक्टर उनका ड्राइवर कंडक्टर कितना है मैम? फोर फोर सर, दोनों फोर फोर। बिल्कुल ठीक है, तो आप क्या करो, आप दोनों हस्बैंड वाइफ मिलके फ्राइडे को शाम को खीर बांटना स्टार्ट कर दो, जब तक बेबी ना हो जाए, आप भी और वो भी। आवाज आ रही है मैम? गीतांजलि मैम आवाज आ रही है? जी शरद, हाँ, आ रही है सर। हेलो, आप दोनों को फ्राइडे को उपाय करना है, आप हाँ, दोनों को फ्राइडे को उपाय करना है, खीर बांटनी है। ठीक है सर। उसके साथ सर साथ और मेरा मोबाइल नंबर है 3। गलत है, पैरा फायर लेके आओ, एक पैरा फायर करना स्टार्ट करो, जो आपके घर में नेगेटिविटी है सारा कुछ उसी से दूर होगा। पैरा फायर के लिए मेरा यूट्यूब पे वीडियो है, वो देख लीजिए आप, आपको उसमें क्लैरिटी आ जाएगी। ओके सर। सर मेरा मोबाइल नंबर है 3 और हस्बैंड का है 1312। गलत है, उसको 5 पे ले जाओ अपना मोबाइल नंबर। मेरा 5 सर। हाँ जी, आप 5 पे ले जाओ उसको। और हस्बैंड का? हस्बैंड का ड्राइवर 4 कंडक्टर 4 है, तो 5 या 6 दोनों पे जा सकता है। जी शैलेंद्र जी, जी शैलेंद्र जी नमस्कार सर। जय गुरुजी सर। जय गुरुजी सर। सर अपने एक बेटे का पूछना था, थोड़ा सा डाउट था, उसका ना ड्राइवर है 6 और कंडक्टर है 2, 11 से बनता है। ठीक है, तो उसका नेम नंबर सर किस पे लेके जाऊं? मतलब 5 पे जाएगा, 5 पे, 5 पे, 5 आंखें बंद करके। सर एक मिनट रुको जी, अनम्यूट करो जी। अनम्यूट है सर। जी जी बताओ। तो मैं कह रहा हूँ 5 नंबर 23 का बना दूं, चलेगा सर? ठीक चलेगा, ठीक है, बिल्कुल चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है सर। जैसे एक थोड़ा सा मैं जैसे आपके वीडियो देख रहा था, जैसे आप कहते हैं मून और ये सब, जैसे 5 नंबर अगर उसका बनेगा जैसे टोटल, तो वैसे मून से सब मून के साथ कौन सा इंटर तो नहीं करेगा? ऐसे मून और मरकरी जो है कहते हैं अच्छा नहीं होता। मुझे तो पता नहीं, मैंने जो सीखा है न्यूमरोलॉजी में, हमारा 5 नंबर जो है मरकरी है और उससे बढ़िया प्लेनेट नहीं है। मैंने खुद अपनी नेम की स्पेलिंग 5 पे है, नरेंद्र मोदी 5 पे है, धीरू भाई अंबानी 5 पे है, सुनील भारती मित्तल 5 पे है, विराट कोहली 5 पे है। तो तुम्हारी मर्जी है आपकी, तुम्हें मानना है कि नहीं मानना है, ये चॉइस आपकी। इससे आशीर्वाद वाला नंबर नहीं है, जितना हो सके इससे आशीर्वाद लो और देखो कितनी लाइफ में ब्लेसिंग आती है। दोस्तों आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, जिनके क्वेश्चंस नहीं हो पाए हैं उनके लिए मैं तहे दिल से सॉरी कहता हूं, क्योंकि मैंने अपना 2 घंटा पूरा दे दिया आपको। कहीं ना कहीं पे चीजें क्या होती हैं, टाइम के हिसाब से देखनी पड़ती हैं, क्योंकि मेरी भी थोड़ी देर में क्लास भी स्टार्ट होनी है, तो मुझे उसको भी मैनेज करना है। दोस्तों लाइफ में न्यूमरोलॉजी बहुत बहुत सारी आपको हेल्प टूल बन के दे सकती है। जैसे अभी भारद्वाज मैम ने कहा कि कैसे उनकी नीम की स्पेलिंग चेंज होने के बाद लाइफ में हर्डल्स बढ़ गई, ऐसे ही मेरे कोशिश यही है कि आप सब अपनी नेम के स्पेलिंग को जितना हो सके पॉजिटिव करो। जितना आप इसको पॉजिटिव करोगे उतना आप देखोगे, मैं जैसे बताया कि मैं 2.25 लाख वारी रोज लिखता हूं, मतलब 50 दफा मैंने लिखा और आज लिखते लिखते 2.25 लाख हो चुका है। नो डाउट अगर वो बुक भर जाती है तो उसको या तो हमें अग्नि के हवाले करना है या जल प्रवाह करना है, क्योंकि वो एक एनर्जी हो चुकी है आपके लिए। सिर्फ इसको पॉजिटिव करो और इसको करने के बाद अपने काम पे जुड़ जाओ। जैसे मान लो मुझे स्पेक्स लगा है, अगर मैं स्पेक्स नहीं पहनूंगा मेरी आंखें और खराब हो जाएंगी। सेम ऐसे ही मेरे नेम के स्पेलिंग डिस्टर्ब थे, जैसे ही मैं उसके नेम के स्पेलिंग 5 पे लाया, क्योंकि मेरे पास 5 मिसिंग था, मेरी लाइफ में आशीर्वाद आ गया है। सारी बात ये है कि सिर्फ इस विद्या से जुड़ के देखो, कोई इसमें वहम वाली बात नहीं है, कोई इसमें छल कपट वाली बात नहीं है। अगर आप चींटियों को आटा खिलाते हो तो उनका पेट भरेगा, ऐसा कोई प्राणी नहीं है जिसका पेट भरे वो आपको थैंक यू ना बोले। थर्सडे को येलो स्वीट्स बांटते हो, वो बच्चे जिन्होंने पता नहीं कब से स्वीट्स नहीं खाई है वो आपको तहे दिल से थैंक यू बोलेंगे।
वो गरीब लोग जब आपकी खीर खाएंगे तो पता नहीं कितने आपको थैंक यू देने वाले। सिर्फ यही चीज है कि दुनिया के अंदर बांटना सीखो, ऊपर वाला अपने आप आपको देगा। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी सर, जय गुरु जी। और बिल्कुल कोरोना बच के रहना है भी, उससे घर से बाहर कोशिश करो नहीं निकलना। मुझे पता है आप सब, मैं, हम सब इस टेंशन से जूझ रहे हैं, हर एक को प्रॉब्लम है, पैसे नहीं आ रहे हैं, काम टाइट है, बट कोई बात नहीं, जिंदा है तो सब कुछ है। तो बिल्कुल मास्क लगाए बगैर जाना नहीं है, जो भी कोताही है बरतो। बहुत बहुत धन्यवाद, जय गुरु जी।